देखो तो एक बार मुझे जस्ट कंफर्म करो, रिकॉर्डिंग मैसेज। हाँ यस सर। ओके सर, ठीक है सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर। अच्छा, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है सर, आज हम लोग फिर से इक्विटी डेरिवेटिव क्लास में आ गए, है ना। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी 2 दिन वीक में वेडनेसडे एंड फ्राइडे टेक्निकल एनालिसिस का डिस्कशन होता है, और बाकी 3 दिन मंगल बृहस्पति और शनि, मतलब ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे, हम लोग टेक्निकल पर डिस्कशन कर, सॉरी फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट फ्यूचर एंड ऑप्शंस आल्सो नोन एज एनआईएसएम में क्या कहा जाता है, एनआईएसएम में कहा जाता है इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू है नहीं उसको डिराइव करना, दैट्स वाई नेम इज कॉल्ड डेरिवेटिव। आप बात समझ रहे हैं ना सर, सिंपल बात है, जो वैल्यू है नहीं बट उसको डिराइव करना, दैट्स वाई नेम इज कॉल्ड डेरिवेटिव, डिराइव करना। डेरिवेटिव सम्स भी होता था मैथमेटिक्स के अंदर, वही बात है सर। लेकिन यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स वाला कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, बेसिकली डिराइव कर रहे हैं। जैसे मानो कि किसी एक पर्टिकुलर शेयर का दाम प्रेजेंट मार्केट में कुछ चल रहा है, से फॉर एग्जाम्पल शेयर का दाम छोड़ो, निफ्टी में ही बात कर लेते हैं, निफ्टी प्रेजेंट मार्केट में 15,000 के आसपास आ गया। अब क्वेश्चन इज दैट कि निफ्टी का डिराइवेशन फ्यूचर में और नीचे जाएगा कि और ऊपर जाएगा, क्या 15,400 से निफ्टी 16,000 पहुंचेगा 2-3 महीने में, या 1 महीने में, या 1 हफ्ता में, जो भी टारगेट हो, या फिर निफ्टी 15,000 से 14,000 रेंज में वापस आ जाएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट इज दैट सर, ये जो फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन करना, फ्यूचर बढ़ भी सकता है, फ्यूचर घट भी सकता है, लेकिन ये प्रेडिक्शन के पीछे टेक्निकल का तो हाथ है, फंडामेंटल्स का भी हाथ है, लेकिन फ्यूचर मार्केट अपने आप में ही एक एरिया है सर, तो उसी का डिस्कशन चल रहा है फ्यूचर मार्केट में। ठीक है, मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और आपको डिस्कशन जो अभी तक हम लोगों ने फ्यूचर मार्केट में किया और जो अभी बाकी है वो सारा डिस्कशन करूँगा। ऐसे ज़्यादा मैं नहीं गया, क्लासेस थोड़ा ज़्यादा लिया, लेकिन टॉपिक ज़्यादा मैं कवर अभी तक हुआ नहीं मेरा। ठीक है, मैं धीरे धीरे ही चल रहा हूँ। यस, गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, तो अगर मैं एनआईएसएम सिलेबस के वाइज देखूं, स्क्रीन शेयर है सर? ठीक हाँ सर। है, अगर मैं एनआईएसएम सिलेबस वाइज देखूं तो मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग में डेरिवेटिव्स के कुछ मतलब हिस्ट्री वैल्यूएशंस के बारे में बात किया था, और उसके बाद मैंने इंडेक्स अभी तक स्टार्ट नहीं किया, मैं अभी भी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर, मतलब फॉरवर्ड मार्केट एंड उसके बाद मैंने फ्यूचर के अंदर ही थोड़ा गोताखोर किया, गोताखोर मतलब डीप डाइव किया। ठीक है, मतलब थोड़ा फ्यूचर मार्केट के बारे में डिटेल्स में जानकारी ले रहा है सर। ठीक है, इसके बाद मैं ऑप्शन स्टार्ट करूंगा, और फिर ऑप्शन स्ट्रैटेजी एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे लीगल एनवायरनमेंट में सेबी के एक्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, किस तरह से सेबी हमारे देश में सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेबी एक्ट के थ्रू से ये पूरा स्टॉक मार्केट कंट्रोल होता है, उसके बाद कुछ टैक्सेशन का एरिया है। ठीक है, तब जाके कंप्लीट होगा, लेकिन सबसे ज्यादा समय मुझे जिसमें लेना चाहिए और आपको भी इसमें सबसे ज्यादा समय देना चाहिए वो सर तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एरिया। ठीक है, तो उसी में मेरा जर्नी चलेगा सर सबसे ज्यादा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक नोट्स भी शेयर किया फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने मोटा मोटी अगर देखा जाए सिर्फ फ्यूचर के ऊपर है सर। इसमें मैं आपको लास्ट कुछ दिनों में फ्यूचर मार्केट का बैकग्राउंड क्या है, फ्यूचर मार्केट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, पे ऑफ लिवरेज कैसे कंट्रोल होता है। ठीक है, डोंट वरी, जिसका नहीं हुआ उसे भी समझा दूंगा, क्लास में शेयर करूंगा, एक बार घर पे देखिएगा, कोई डाउट हो मुझे पूछिएगा, डाउट रहेगा नहीं इतना गारंटी है, बट फिर भी रह जाए जस्ट आस्क मी क्लास में। ठीक है, मैं आपको मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट के बारे में भी रिसेंटली डिस्कशंस किए, बहुत ही वाइटल पॉइंट है, मार्जिन कैसे काम करता है, मार्क टू मार्केट कैसे काम करता है। एंड फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है सर, शॉर्टिंग के बारे में मेरा आज का डिस्कशंस रहेगा, ऑल अबाउट शॉर्टिंग। ऐसे तो मैं शॉर्टिंग के बारे में ना क्लास के अंदर बहुत बार बात करता हूँ, शॉर्टिंग शॉर्टिंग शॉर्टिंग, लेकिन ये शॉर्टिंग ओवरऑल काम कैसे करता है, उसका डिटेल्स क्या है, प्रेजेंट मार्केट में शॉर्ट कैसे कर सकते हो, फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट कैसे कर सकते हो, इस बात को समझिएगा सर। आप प्रेजेंट मार्केट में शॉर्ट कैसे कर सकते हो और फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, जैसे रोशनी सुमित जी, आप लोगों को बस थोड़ा मैं बताऊंगा कि प्लीज एक बार ये जो भी मैंने बैकग्राउंड चैप्टर्स करवाया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, प्रैक्टिकली हर एक चीज बताया गया सर, फ्यूचर कैसे परचेस कर सकते हो, फ्यूचर
फ्यूचर कैसे सेल कर सकते हो, एक्सपायरी क्या होता है, मार्क टू मार्केट क्या होता है, लिवरेज क्या होता है, ठीक है, मार्जिन कैलकुलेटर कैसे डिसाइड किया जाता है, कैलकुलेटर में जो मार्जिन जमा होता है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, ब्रोकिंग फर्म आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, प्लीज एक बार सर आप लोग पढ़िएगा और फिर बाद में जो भी डाउट होगा मुझे एक बार पूछ लीजिएगा, मैं सारा क्लास एक दो दिन में अंदर शेयर कर लूंगा। अगर किसी को शेयर किया हुआ है वो प्लीज एक बार घर पे देखें, और जिसको नहीं किया गया वो उसको बहुत जल्दी मिल जाएगा सर। अच्छा तो मेरा अभी का डिस्कशन है सर शॉर्टिंग का डिस्कशन। नाउ पॉइंट इज दैट सर आपके मन में चल रहा है सर शॉर्टिंग क्या है, ऐसे शॉर्टिंग क्या है बहुत लोग जानता है, मुझे पता है शॉर्टिंग क्या है, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है क्या शॉर्टिंग, बोलिए जितना जानते हो उतना ही बोल दीजिए। सर पहले कंपनी का शेयर मेरे पास है नहीं, बट उसको हम पहले सेल किए एट अ हाई प्राइस, और जब प्राइस जब कम हो गया तो उसको हम बाय कर लिए, तो डिफरेंस होता है वही हमारा प्रॉफिट होता है, वही शॉर्टिंग। वेरी गुड सर, थैंक यू। मतलब इन सिंपल मैं पहले सेल किया, नॉर्मल जो लेग होता है, नॉर्मल जो बाइंग सेलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वेरी गुड सर थैंक यू। नॉर्मल बाई सेल, नॉर्मल क्या चलता है, नॉर्मली चलता है कि पहले बाई करो और बाद में सेल, ये नॉर्मल मार्केट है। लेकिन नॉर्मल मार्केट में मतलब सेल करके बाद में बाई करना कोई एबनॉर्मल चीज है नहीं मार्केट के हिसाब से, बट इसको पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यू में मार्केट चलता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू हो गया लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मानो कि अगर मैं जस्ट निफ्टी में ही आपको बता रहा हूँ, अगर किसी ने यहाँ पर लॉन्ग व्यू रख रहा है, लॉन्ग व्यू मतलब लंबा जाना है, नहीं लॉन्ग व्यू का मतलब सिर्फ लंबा जाना नहीं है, लॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म में फर्क होता है। लॉन्ग व्यू का मतलब है बाय फर्स्ट सेल सेकंड, ठीक है, अब बाय यहां पर करोगे और सेल बाद में करोगे, ये लॉन्ग व्यू है। अब कोई बोलेगा सर लॉन्ग टर्म क्या है, फिर सर लॉन्ग टर्म का मतलब है आज खरीद के कभी भी बेचो, बट आज मत बेचो। लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट जो है वो फंड मतलब बेसिकली इन्वेस्टिंग में यूज होता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन जब मैं ट्रेड का बात कर रहा हूं, ट्रेड में लॉन्ग ट्रेड का मतलब ये हो गया कि आपका लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पहले बाय करना है और बाद में सेल करना, चाहे वो एक ही दिन के अंदर हो चाहे वो फ्यूचर मार्केट में हो। फ्यूचर मार्केट जैसे आपको तीन तरह का टाइम देता है, ठीक है ना, फ्यूचर मार्केट आपको तीन टाइम देता है ना, क्या सर बोलिए। से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से किसका फ्यूचर उठाऊं, टाइटन का फ्यूचर उठा लेता हूँ, टाइटन का अगर हम यहाँ पर नजर डाले, तीन दिन फ्यूचर नजर आ रहा है आप लोगों को, जून जुलाई अगस्त दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, है ना, तो जून का फ्यूचर को क्या बोलेंगे, नियर फ्यूचर, नियर मिड एंड फार, ये मिड फ्यूचर और ये फार फ्यूचर, ठीक है। तीन तरह का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा मार्केट में हर स्टॉक के बीच में आपको देखने को मिलेगा। अब आपको अगर जून में प्रेडिक्शन अच्छा लगता है तो जून में कीजिए, अगर आप जुलाई में ज्यादा श्योर है तो जुलाई में कीजिए, और अगर आप अगस्त में ज्यादा श्योर है तो अगस्त में कीजिए। लेकिन जो भी मतलब ऑलरेडी इसका दाम, फ्यूचर मार्केट का दाम आपको बता देता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखिए टाइटन का नॉर्मल मार्केट प्राइस और नॉर्मल मार्केट में जो दाम इसका चल रहा है, अगर मैं सिर्फ टाइटन में क्लिक करूँ, अगर आप नॉर्मल मार्केट में टाइटन को बाई करने जाओगे तो ये 2028 का दाम बता रहा है, 2028 एक शेयर का दाम। लेकिन फ्यूचर मार्केट तो एक शेयर में काम नहीं करता, यहाँ पर मार्जिन जमा करके काम करना होता है ना। तो मैं यहाँ पर फिर से टाइटन लिखूंगा और मैं टाइटन जून फ्यूचर को बाय करने का सोचूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2028 के जगह इसका फ्यूचर 2032 दिखा रहा है, मतलब मार्केट थोड़ा बुलिश दिख रहा है, जून फ्यूचर थोड़ा सा बुलिश है कंपेयर टू स्पॉट मार्केट, है ना, कंपेयर टू स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट में 2028 चल रहा है लेकिन फ्यूचर मार्केट 2032 बता रहा है जून फ्यूचर का। जुलाई देखोगे थोड़ा और ज्यादा दिखेगा आपको, अगस्त देखोगे तो और थोड़ा ज्यादा दिखेगा, और यहाँ पर आपको क्वांटिटी प्रीफिक्स बता देता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी आपके पास दो ऑप्शन होता है, आप इसको इंट्राडे में भी ले सकते हो, आप इसको ओवरनाइट में भी ले सकते हो। ओवरनाइट मतलब आज खरीदो, एक्सपायरी तक किसी और दिन बेचो, जो आपका एक्सपायरी है जून का एक्सपायरी जिस दिन होगा उसके अंदर सेल करना है, बीच में भी सेल करके निकल सकते हो या फिर एक्सपायरी डेट से पहले भी कर सकते हो।
लेकिन वो ओवरनाइट में लेना होगा या फिर एनआरएमएल में लेना होगा। अब ये सब बात मैंने रिसेंटली मार्जिन कैलकुलेटर के बताते के टाइम पे बताया सर, कि ओवरनाइट क्या होता है, इंट्राडे में क्या होता है, कैलकुलेशंस पे मार्जिन का क्या खेल चलता है। ठीक है, यही मैं रिसेंट रिसेंट कंप्लीट किया कि मार्जिन कैलकुलेशन कैसे डिसाइड किया जाता है और मार्जिन कितना आपसे लिया जाता है, और एक बड़ा अमाउंट के अंदर कैसे आप छोटा सा मार्जिन जमा करके, जैसे अगर आप यहीं पर देखो ना, 2030.80 × 375 शेयर्स कम से कम एक लॉट में आपको लेना होगा, कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू मुझे फटाफट थोड़ा बताइए एक बार। 2030 करके 375 शेयर कितना हो जाएगा टोटल वैल्यू? 76,1550 76,1550, 7 लाख, 7,61,550। लेकिन आपको जमा करने के लिए कितना बोल रहे हैं? 1,35,131, मतलब 7 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में आपका मार्जिन लग रहा है 1,35,131, है ना। यही खेल मैंने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में समझाया कि किस तरह से एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में आप एक स्मॉल मार्जिन देके आप उसमें आ सकते हो, और उसमें क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, आपका पैसा कितना रिस्क में आता है और कितना लो रिस्क में आता है। रिस्क कहाँ पर समझाया आपको? रिस्क के बारे में किस पॉइंट में आपको समझाया मैंने सर? लिवरेज एंड पे ऑफ का जो एरिया था ना, आपको इसमें एक पॉइंट में समझाया था लिवरेज एंड पे ऑफ बोल के। ठीक है, इसमें मैं आपको रिस्क समझाया था कि कितना रिस्क आप मार्जिन देके लेते हो। ठीक है, कोई बात नहीं सर, जिन लोगों ने किया उसको भी ठीक है, जो नहीं किया उसे भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको मैं शॉर्टिंग बताने जा रहा हूँ, जैसे कि अभी अभी मैं आपको शॉर्टिंग में आप लोगों ने ही बोला कि सर शॉर्टिंग मतलब बाद पहले सेल कर देना बाद में बाई करना। अब यहाँ पर मार्केट जब नीचे, मैं नॉर्मल मार्केट में बात कर रहा हूँ सर एक बार, आपको प्रेजेंट मार्केट में, हाँ मतलब जैसे मानो कि ये प्रेजेंट मार्केट है, अगर आपको लगता है प्रेजेंट मार्केट में आप ये डेली कर सकते हो, इंट्राडे में भी आप कर सकते हो। जैसे मानो कि अगर आप मार्केट स्टार्ट है ना, मार्केट अभी लाइव है, 15 मिनट में मार्केट आज थोड़ा सा हायर लेवल में जा रहा है क्या? हाँ सर, आज मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है। मारू बुजू फॉर्म हुआ है क्या? ऐसा लग रहा है सर मारू बुजू फॉर्म हुआ है सेकेंड वाला? सेकेंड वाला सर, ये देखिए सर, सेकेंड वाला मारू बुजू फॉर्म हुआ है, मतलब मार्केट, अब जाएगा। हाँ मतलब आप जा भी सकता है नीचे भी आ सकता है, बट मारू बुजू तक मार्केट में कुछ चेंज करेगा इसी का इंडिकेटर है। ठीक है सर, ठीक है, अभी टेक्निकल पे नहीं आएंगे, टेक्निकल का काम बहुत होता है जो आपको मैं हमेशा बताता हूँ ना। कॉन्सेप्ट इज दैट कि अगर आपको शॉर्ट करना है, अगर अगर किसी को लगता है कि निफ्टी 15,000, देखिए यहाँ पर लाइव में जो दिख रहा है 15,548 इतने दाम पे अभी चल रहा है। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि देखिए न्यू नया वाला सेशन चालू हो गया 15 मिनट के हिसाब से, अब अगला 15 मिनट्स में देखो सर, अभी तो ये बुलिश में ही है, मारू बोजू में ये समझाया गया है कि मारू बोजू के बाद किस तरह से बुलिशनेस आता है सर मार्केट में। बुलिश भी आ सकता है, बेरिश भी आ सकता है, बट किस ट्रेंड में, ऐसे मारू बोजू का कोई ट्रेंड नहीं होता, वो अचानक फॉर्म होता है। मारू बोजू अचानक फॉर्म होता है और उसके बाद मार्केट या तो अप जाएगा या तो डाउन जाएगा। ठीक है, अच्छा 15,548 में अगर आपको लग रहा हो कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन ये एक न्यू अप ट्रेंड स्टार्ट किया है सर करेंटली, लेकिन अगर आपको लगता है ये नीचे जा सकता है, तो आप क्या करोगे 15,548 में इसको पहले ही सेल कर दोगे, और जब इसका प्राइस 15,450 में आएगा सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है इस रेंज में आएगा, तब इसको आप बाई कर लोगे, ये आप इंट्राडे बेसिस में कर सकते हो, ये आप इंट्राडे बेसिस में कर सकते हो। तो ये इंट्राडे में जो आप कर सकते हो, सिमिलरली आप फ्यूचर में भी कर सकते हो, सिमिलरली आप फ्यूचर में भी कर सकते हो। अब मुझे आपको वही समझाना है कि आप जो काम इंट्राडे में, अब इंट्राडे में देखो ना, इंट्राडे में अंदर तो आप 15-15 मिनट में कर सकते हो कि यहाँ पर सेल करके बाद में बाई कर लो, पहले सेल कर लो 15,548 में, अभी सेल कर दो। अगर आपको लगता है मार्केट नीचे गिरेगा 15,450 पे आएगा आज ही, ठीक है 15 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर या 30 मिनट के अंदर बाद में बाई कर लेना, तो क्या होगा सर अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट हो गया? सुमित जी या सुमित ने जैसे समझाया था 548 से 450 कितने का गैप हो गया? हेलो, कितने का गैप हो गया सर बताइए थोड़ा? 550, 100 रुपीज, 98 क्या?
क्या मेरा हिसाब सही है? 98 पर शेयर का हाँ प्रॉफिट सर, हुआ क्या 98। सर? अभी 98 पर शेयर आपका प्रॉफिट होगा सर। अगर आप एक शेयर खरीदोगे तो 1 × 98, अगर आप 100 शेयर खरीदोगे तो 100 × 98। कितना मिनट में कमाओगे? जितना मिनट का सेशन के हिसाब से आपने प्रेडिक्शन किया था। अब ये आपके ट्रेडिंग पॉइंट सर एक क्वेश्चन है सर, ये तो इंडेक्स है सर निफ्टी, जिसमें तो वो शेयर बोल के आता नहीं है सर। हाँ बोलो। निफ्टी 50 तो एक इंडेक्स है सर, इसमें तो शेयर नहीं होता है, पर हाँ सर इसमें ठीक स्टॉक है। नहीं है ना। हाँ निफ्टी 50 स्टॉक का एक कंप्लीट इंडेक्स है, ठीक है, लेकिन आप फ्यूचर में कर सकते हो ना। नहीं हाँ यहाँ पर फ्यूचर में कर आपको, सकते हैं, नॉर्मल हम लोग हाँ नहीं कर सकते, नॉर्मल शेयर्स में हाँ वही मैं बोल रहा हूँ स्टॉक में एक्चुअली। करना पड़ेगा। यस सर यस, स्टॉक में करना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पर जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ सर कि आप निफ्टी में कर लो या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कर लो। मतलब एक पर शेयर में, निफ्टी को अगर मैं एक शेयर मान लूँ, यहाँ पर ये 50 शेयर का एक मिला जुला है, ठीक है, इसके अंदर 50 स्टॉक है। मैं एक सिंपल तौर पर समझा रहा हूँ कि अगर यही एक पर्टिकुलर स्टॉक मान के चलते हैं, एक शेयर का दाम मान के चलते हैं 15,548, तो मेरा प्रॉफिट होगा तो 15,098 पर शेयर का होगा, तब ठीक है। अगर आपको निफ्टी में दिक्कत होगा तो आप किसी स्टॉक्स में भी सेम चीज कर सकते हो। आप आइशर मोटर ले लो, एशियन पेंट्स ले लो, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना सर। मैं बस आपको प्रॉफिट समझाने के लिए ये बात यूज किया सर, ठीक है। ठीक है सर, और कुछ नहीं। सुमित जी फिर से किससे ज्वाइन कर रहे? तो लैपटॉप से ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं हो रहा है कि मोबाइल में छोटा दिखता है ना सर इसलिए। हाँ हाँ ठीक है, तो पॉइंट समझ में तो आ ही रहा है कि किस तरह से हम लोग पहले सेल करके बाद में बाई कर सकते हैं, ठीक है, वो तो हो जाएगा। लेकिन अभी इसी का थोड़ा डिटेल्स में जाना है सर, ठीक है, इसका पूरा डिटेल्स में जाना है, उसको पूरा क्रिटिकली इसको समझना है कि कैसे इसका पूरा शॉर्टिंग काम करता है। रोशनी, ईशा, सुमित, प्रिया, बात समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? हाँ सर, यस सर। अब प्रेजेंट मार्केट में भी आप शॉर्ट कर सकते हो और फ्यूचर मार्केट में भी आप शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन सर फ्यूचर मार्केट और प्रेजेंट मार्केट में कितना डिफरेंस है और क्या काम अलग होता है? शॉर्टिंग तो शॉर्टिंग ही है, शॉर्ट मतलब ऐसे मैं आपको बोला, लॉन्ग का उल्टा है शॉर्ट। अगर आप बाई करके सेल करने का सोच रहे हो मतलब लॉन्ग सोच रहे हो, लेकिन आप सेल करके बाई करने का सोच रहे हो मतलब आप शॉर्ट सोच रहे हो। मतलब जब मार्केट गिरता है उस गिरते हुए मार्केट पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगाते हो, यही बस फर्क है सिंपल वे में। लेकिन बड़ा फर्क क्या हो सकता है वही मुझे आपको थोड़ा बताना है। एक सेकंड सर, ये ब्लैक लाइन ना मुझे कभी कभी बहुत तंग करता है, एक सेकंड जाएगा नहीं तो मैं फिर बताऊंगा कैसे। सर एक क्वेश्चन है, अगर हम बोलो। लोग पर्टिकुलर स्टॉक में अगर शॉर्टिंग करते हैं तो वो सिर्फ पर्टिकुलर मतलब वो इंट्राडे में होता है ना, उसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते ना? नहीं, इंट्राडे में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, जैसे वही मैं नहीं बात कर मतलब रहा था। बोल। शॉर्ट सेलिंग सिर्फ पर्टिकुलर डे के लिए होता है। शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में करोगे तो पर्टिकुलर डे के लिए होगा, फ्यूचर मार्केट में करेंगे तो वो आप लंबा लेके जा सकते हो, जो वो आपका दोनों ऑप्शन है, एक्सपायरी। दोनों ऑप्शन है, इंट्राडे और प्लस डिलीवरी। यस, इंट्राडे डिलीवरी में नहीं होगा सर। डिलीवरी मतलब हो गया आपका, डिलीवरी का मतलब हो जाता है आपका कि उसको आप मतलब उसको ओवरनाइट बोल सकते हैं आप फ्यूचर मार्केट के लिए, ओवरनाइट, ठीक ओवरनाइट। है। हाँ डिलीवरी नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो यूज होता है ना, वो बेसिकली जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको डिलीवरी बोलते हैं, मतलब आज खरीदो कभी भी बेचो, ठीक है। लेकिन जब यही बात हम लोग फ्यूचर मार्केट में यूज करते हैं तो उसको थोड़ा ओवरनाइट बोलते हैं, एक्सपायरी के लिए। से फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे TCS फ्यूचर लेना है तो मैं NSE में चलता हूँ और देखता हूँ कि TCS फ्यूचर का क्या प्राइस अभी दे के रखा है। तीन फ्यूचर प्राइस हमें हमेशा नजर आता है सर, ठीक है। इसमें अगर हम देखें, ये देखें अंडरलाइन दे दिया TCS फ्यूचर, मतलब TCS का फ्यूचर डिपेंड करता है किस पे, स्पॉट मार्केट में TCS पे, ठीक है। ये मैंने बेसिक्स में वही सब समझाया थोड़ा अंडरलाइनिंग सा। वैल्यू में ना सर, हाँ अंडरलाइनिंग। सर हाँ, TCS अंडरलाइन मतलब TCS तुम किस पे डिपेंड कर, TCS फ्यूचर तुम किस पे डिपेंड करते हो, तो TCS फ्यूचर जवाब देता है कि मैं तो TCS पे डिपेंड करता हूँ, सिंपल बात। TCS का मतलब आपका फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है आपके, बोलो ना, आपका फ्यूचर किस पे डिपेंड करता है? आज
योर फ्यूचर डिपेंड ऑन योर टूडे. अगर आप आज पेशेंसली सीख रहे हो, जान रहे हो, तो कल अच्छा जाएगा. लेकिन आज अगर आपका पेशेंस कम है सीखने के लिए, तो कल क्या होगा आपका, बोलो ना, खराब ही होगा सर. ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम यही होता है कि लोग सीखने में समय देना पसंद नहीं करता, ठीक है, बिकॉज उनको ना फ्यूचर के बारे में इतना ज्यादा सोचता है कि प्रेजेंट को ही भूल जाता है. अब इतना भी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होना चाहिए कि प्रेजेंट को छोड़ के फ्यूचरिस्टिक होने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज जो कुछ भी होता है प्रेजेंट के ऊपर ही होता है, चाहे वो इंसान का जिंदगी हो या स्टॉक का जिंदगी. बात सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल लग सकता है, बट ये हार्डकोर ट्रूथ है सर. साउंड थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लगेगा, बट यही तो है फिलोसॉफी. फिलोसॉफी का मतलब क्या, दर्शन. और स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में हम लोग बार बार एक बात करते हैं सर, पॉइंट ऑफ व्यू. आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही आपको सक्सेसफुल बनाएगा सर, एज ए फ्यूचर ट्रेडर, एज ए नॉर्मल डे टू डे ट्रेडर, जैसे ट्रेडर आप बनना चाहते. पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. और पेशेंस एंड कामनेस, मतलब दिल में शांति होना चाहिए, ब्रेन में पेशेंस होना चाहिए, सीखने का इच्छा होना चाहिए, तभी जाके सही पॉइंट ऑफ व्यू बनाया जा सकता है. अगर मन में हिचकिचाहट है, हर दो दो मिनट में आप पेशेंसलेस हो जाते हो, ब्रेन भी दो दो मिनट में फ्लक्चुएट करता है, हार्ट आपका काम नहीं रहता, काम समझते हो ना, शांति नहीं रहता, दो दो मिनट में अभी ये तो अभी वो, क्या होगा क्या होगा, दिमाग भी आपका बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार उधर जा रहा है, तो क्या होगा, सक्सेसफुल बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, चाहे जो भी फील्ड है आपका. ये इंसान की जिंदगी में भी लागू होता है, ये स्टॉक की जिंदगी में भी लागू होता है. अब अगर मैं TCS के फ्यूचर के बारे में दो मिनट बात करूं, अगर मैं TCS के फ्यूचर के बारे में दो मिनट बात करूं, तो TCS फ्यूचर किस पे डिपेंड किया, TCS के करेंट मार्केट पे डिपेंड करेगा. अब TCS का करेंट मार्केट कितना चल रहा है सर, करेंट मार्केट चाहे वो जून का हो, जुलाई का हो, अगस्त का हो, 3-6-1 चल रहा है. ये करंट TCS का प्राइस है, इसको लेटेस्ट जो प्राइस मुझे दिख रहा है ये 9.49 का दिख रहा है, ठीक है, आज का. अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा तो ये भी चेंज हो जाएगा. आप लोग थोड़ा नजर रखिए स्क्रीन में, देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये चेंज होगा. चेंज हुआ 0.95 सर, थोड़ा और ज्यादा लग रहा है, 3258.95. चेंज हुआ, अच्छा ठीक है, जो भी हो, मुझे भी, मैं भी भूल गया, लेकिन चेंज तो हुआ. मतलब अभी 953 का प्राइस पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो तो मैं यहाँ पर लाइव मार्केट में अभी चेक कर सकता हूँ, लेकिन ये भी NSE भी लाइव मार्केट में ही मुझे दिखा रहा है. नाउ पॉइंट इज दैट कि ये जो अंडरलाइन है, ये अंडरलाइन तो चेंज होता रहता है, ये प्रेजेंट में चेंज होगा. इसका प्रेजेंट में इसका जो चेंज का डायरेक्शन है सर, प्रेजेंट डायरेक्शन किधर है, इस पर डिपेंड करता है कि इसका फ्यूचर किधर जाएगा. जैसे फ्यूचर में 30 जून का लास्ट जो इसका प्राइस रहा है वो रहा 3259.80, लेकिन जुलाई का फ्यूचर का लास्ट प्राइस है, एक्सपायर करेगा 20 जुलाई को, ठीक है, 3261 का. और 25 अगस्त का लास्ट प्राइस रहा है 3272 का, ठीक है. ये एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ चल रहा है सर. नाउ पॉइंट इज दैट कि अगर आप फ्यूचर मार्केट में स्टॉक को आज इस दाम पे सेल कर देते हो, से फॉर एग्जांपल जून फ्यूचर में आज आपने 3259 पे सेल कर दिया, मैं आपको शॉर्ट सेल समझा रहा हूं सर, इसका मतलब आप फ्यूचर के बारे में क्या सोच रहे हो, फ्यूचर के बारे में शॉर्ट सोच रहे हो कि लॉन्ग सोच रहे हो, प्लीज बताइए. 3259 में अगर आप कोई शेयर को सेल कर देते हो, मतलब आपका अगला पड़ाव क्या रहेगा, सेल के बाद नेक्स्ट पड़ाव रहेगा बाई करना. तो 3259 में सेल का मतलब ये होता है कि आप इसको बुल में नहीं, बियर में देख रहे हो, नॉट बुल. आपका सोच बियरिश है, तभी आपने पहले सेल किया. 3259 में सेल करने के बाद आप इसको कम दाम में बाई करने का सोच रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर में कम हो जाएगा, तो मे भी आपको लग रहा है कि ये 3100 हो जाएगा, ठीक है. मतलब अगर 3100 होता है 30th जून जाते जाते, तो कितने का प्रॉफिट करोगे आप, 159 का, 159 का, मतलब जितना भी नीचे गिरेगा उतना आपका प्रॉफिट. उल्टा भी होता है, जैसे नॉर्मल सोच क्या होता है, नॉर्मल सोच ऐसा होता है
ये करेंटली मेरा फ्यूचर प्राइस चल रहा है 3259 और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा और बढ़ेगा, ठीक है, ये थोड़ा और बढ़ेगा, हो सकता है कि ये 3300 तक जाए। तो अगर 3300 तक जाता है तो जितना गैप होगा उतना मेरा प्रॉफिट रहेगा, जितना शेयर का मेरा बाई रहे मतलब मेरा क्वांटिटी रहेगा। अब नॉर्मल सोच से शॉर्ट सेलिंग का सोच थोड़ा अलग इसलिए है कि आमतौर पर लोग मार्केट बढ़ेगा ये सोच लेता है, मार्केट गिरेगा ये सोच थोड़ा सा ऑफबीट सोच है सर, है ना सर, बोलो। ज्यादातर लोग मार्केट बढ़ने के बारे में सोच रहा है, मार्केट गिर जाएगा ये सोच बहुत ही कम लोग सोचता है ना, ये सर नो? यस सर। इसीलिए शॉर्टिंग थोड़ा सा ना अपने आप में थोड़ा सा ना यूनिक है, ठीक है। अब शॉर्टिंग को थोड़ा सा डिटेल्स में देखते हैं ना, चलो ना, इतना हड़बड़ करके पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं है। ओके, अब ब्रीफली डिस्कस। अच्छा, शॉर्टिंग के बारे में ना मैं आप लोगों को जब बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट भी पढ़ाया ना, जब आपको बेसिक्स का जिन लोगों को मैं शेयर कर दिया, जैसे मैं ईशा को शेयर किया, प्रिया को भी शेयर किया, ठीक है, आप लोग एक बार प्लीज बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को पढ़िए, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में भी मैंने शॉर्टिंग बोला, बट कोई बात नहीं, मैं आज भी फिर से डिटेल्स में शॉर्टिंग बोलूंगा। विल लुक एट शॉर्टिंग इन ग्रेटर डिटेल। शॉर्टिंग इज ए ट्रिकी कॉन्सेप्ट, लिटिल बिट ट्रिकी है, बट इसको अगर कोई प्रॉपरली यूज कर पाता है ना तो मार्केट बढ़ता है तो भी जैसे लोग प्रॉफिट करता है ना, मतलब शेयर का दाम 1000 चल रहा है, 1000 का शेयर 1200 में जाएगा, ये सोच एक बहुत ही नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू होता सर, मतलब ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू फिर भी लोग डे टू डे लाइफ में सोचता है कि अच्छा 1000 का शेयर 1200 में जाएगा, मैं 200 करके पर शेयर में प्रॉफिट करूंगा और मेरा हो जाएगा। लेकिन 1000 का शेयर 900 में आएगा और मेरा 100 करके पर शेयर का लॉस नहीं सर, प्रॉफिट करना है। लेकिन यहीं पर खेल है कि शॉर्टिंग कब कर सकते हो, कैसे कर सकते हो और किस तरह से इसको मतलब बेसिकली कैलकुलेट करके आप पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो। अब इसी का थोड़ा टेक्निकल मैटर्स है, ठीक है, फ्यूचर मार्केट के साथ प्रेजेंट मार्केट का। तो चलो आगे बात को बढ़ाते हैं। तो शॉर्टिंग एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है बिकॉज वी आर नॉट यूज टू शॉर्टिंग इन अवर डे टू डे ट्रांजेक्शन, ठीक है। डे टू डे ट्रांजेक्शन में शॉर्टिंग इतना रेगुलरली लोग यूज नहीं करना पसंद नहीं करता इतना। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दिस सिचुएशन, यू बाई एन अपार्टमेंट टूडे फॉर लेटेस्ट से ₹10, ठीक है, मतलब ₹X एंड सेल इट 2 years later, कितने दाम में बेचोगे? जितने दाम में बाई किया उसके साथ कुछ और जोड़ के ही ना बेचोगे, प्लीज टेल मी सर, है ना? अगर एक्स में खरीदा तो उसमें वाई थोड़ा जोड़ेंगे फिर बेच देंगे, तो एक्स प्लस वाई में आपका क्या रहेगा? सेल प्राइस रहेगा, है ना, एक्स पे खरीदना और वाई पे बेच देना, समझ में तो आ रहा है ना? बट ये एक नॉर्मल सोच है, इसको बोलते हैं लंबा सोचना, लॉन्ग सोचना, ठीक है, मतलब बाई पहले करो फिर बाद में सेल करो प्रॉफिट के साथ, और इसमें जो प्रॉफिट आपका होगा वो क्या होगा? द प्रॉफिट मेड ऑन दिस ट्रांजेक्शन इज द इंटर इंक्रीमेंटल वैल्यू ओवर एंड अबव ₹X, एक्स के ऊपर जितना मिलेगा आपको। अगर एक्स का वैल्यू आपका 30 lakh का प्रॉपर्टी था, 30 lakh में अगर आपको 31 lakh मिला, मतलब 1 lakh एक्स्ट्रा जितना आपको मिला वो आपका प्रॉफिट है, तो एक्स के ऊपर जितना मिलेगा वो आपका प्रॉफिट है। दिस इज ए सिंपल एंड हाईली इंट्यूटिव ट्रांजेक्शन, बड़ा ही सिंपल बात है कि 30 lakh का प्रॉपर्टी 31 lakh में बेच दिया, 1 lakh घर पे लेके आ गए, सिंपल है और बहुत ही रेगुलर कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द डे टू डे ट्रांजेक्शन रिक्वायर अस टू बाई समथिंग फर्स्ट एंड सेल इट लेटर, ज्यादातर केस में हम लोग ऐसा करना ही पसंद करते हैं और उसमें या तो प्रॉफिट करते हैं या तो लॉस करते हैं। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि 30 lakh का प्रॉपर्टी आपको 30 lakh का दाम नहीं मिला, ऐसा भी तो हो सकता है कि 28 lakh आपको मिल रहा है और आपके पास समय नहीं है तो आप जल्दी जल्दी बेच देते हैं बिकॉज आपको इमीडिएट कुछ फंड का जरूरत पड़ गया, तो उस टाइम पे हम लोग 30 lakh का प्रॉपर्टी को 28 lakh में भी बेच देते हैं ना, या 29 lakh में बेच देते हैं। जैसे 2 मिनट पहले आपको मैं प्रॉफिट दिखाया था, अब 2 मिनट बाद मैं आपको लॉस भी दिखा रहा हूँ, क्या ऐसा होता है हमारे डे टू डे लाइफ में? बोलिए ना सर। सर समटाइम कभी कभी हाँ सर होता है कभी कभी नहीं ये सर। एक्चुअली देखो, हम लोग अपनी जिंदगी में हमेशा इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन एक एक इंडिविजुअल लाइफ में अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी इमीडिएट आज के डेट में ही, अभी के डेट में आपके आसपास में ही चल रहा है कि अभी एक फ्लैट अगर वो सेल कर दे तो बड़ा अच्छा होगा, लेकिन दाम नहीं मिल रहा है। से फॉर एग्जांपल उसका खरीदा हुआ है 30 lakh का, बट कोई 30 lakh देना नहीं चाहता,
और उसको इमीडिएट नीड मनी का नीड है तो वो कम दाम में बेच देगा अगर इमीडिएट नीड है तो। अगर वो थोड़ा वेट कर सकता है तो थोड़ा सा वेट करेगा तो ज़्यादा दाम मिल सकता है, लेकिन वेट करना डिपेंड करता है ना नीड के ऊपर। नीड बहुत ज़्यादा है तो वेट नहीं कर पाएगा, तब लॉस में ही शायद बेचना पड़े, क्योंकि उसको इमीडिएटली 29 लाख कहाँ से मिलेगा। यहाँ भले ही 1 लाख का लॉस हो रहा है बट फिर भी वो जल्दी भी कर सकता है। तो वही बात है सर कि जैसे हम लोग एक फ्लैट वगैरह के केस में भी हम लोग प्रॉफिट या लॉस दोनों खा सकते हैं, ठीक है, वैसा कॉन्सेप्ट डे टू डे कॉन्सेप्ट है। एंड दीज आर सिंपल टू अंडरस्टैंड ट्रांजेक्शन एंड वी आर यूज टू इट। हाउएवर इन शॉर्ट सेल जस्ट शॉर्टिंग वी कैरी आउट द ट्रांजेक्शन इन द एक्सैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन टू सेल फर्स्ट एंड बाय लेटर, जो बात हम लोग स्टार्टिंग से करे जा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर पहले सेल कर देंगे और बाद में बाई कर देंगे, पहले ही सेल बाद में बाई, मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट डे टू डे लाइफ में होता है सर। इसके लिए मेरा बेसिक्स में भी मैंने एक एग्जाम्पल यूज किया, मैं उसी एग्जाम्पल को अगर आपको रिवाइज कराऊं तो भी आपको समझा जा सकता है कि डे टू डे लाइफ में। मैं इसको शेयर मार्केट में आ जाऊंगा सर अभी 2 मिनट में, बट कोई मोबाइल लॉन्च हो रहा है सर जल्दी बोलो, ये मेरा बेसिक का बड़ा ही फेमस एक एग्जाम्पल है डे टू डे लाइफ में। अच्छा चलो, ये वाला आईफोन लॉन्च होने वाला है 29 जून 2007 को, अच्छा लॉन्च हो गया है, सॉरी, एग्जाम्पल के लिए इसको 2022 मान लेते हैं, ठीक है सर। इसका क्या दाम पड़ जाएगा जल्दी बोलो मुझे थोड़ा, इसका क्या दाम पड़ जाएगा। 80,000। अरे प्रिया कितना दाम पड़ जाएगा, यस 80,000 आज के डेट में। हाँ प्रिया बोल। हाँ सर। ओके सर, ठीक है म्यूट कर दे। ओके इसका दाम 80,000 अगर आपको लग रहा है, लेकिन ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ सर, लॉन्च होने वाला है, ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, लॉन्च होने वाला है, ठीक है, मतलब मे बी फ्लिपकार्ट में आने वाला है, मे बी अमेजन में आने वाला है, कहीं पर भी आएगा। लेकिन सर मानो कि आप फ्लिपकार्ट का एक रजिस्टर्ड यूजर हो बट आपका फ्रेंड नहीं है, ये एग्जाम्पल मैं बेसिक्स में भी देता हूँ, आपका दोस्त फ्लिपकार्ट में रजिस्टर्ड नहीं है बट आप फ्लिपकार्ट में रजिस्टर्ड हो, और ये आईफोन का जो न्यू सीरीज है ये फ्लिपकार्ट में लॉन्च होने वाला है, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट में इसका दाम अभी भी डिसाइड नहीं हुआ, लॉन्च डेट डिसाइड हुआ कि 29 जून को लॉन्च करेगा, ठीक है, 29 जून को लॉन्च करेगा। सर हाँ आप बोलो जो सर, बताए थे ना, जो फ्रेंड पहले खरीद लिया फिर वो अपने दूसरे फ्रेंड को बाद में बेच देते हैं, एग्जैक्टली सर वही ये बात, वाला। वही बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कि डे टू डे लाइफ में हम लोग शॉर्ट सेल करते कि नहीं करते। सिर्फ शेयर में ही नहीं, हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं या करते भी हैं, ठीक है। तो उसी का मोबाइल वाला एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट में आपका दोस्त रजिस्टर्ड नहीं है बट आप एक रजिस्टर्ड फ्लिपकार्ट यूजर हो, और फ्लिपकार्ट ने बताया कि जो रजिस्टर्ड यूजर है सिर्फ उसी को ये फोन बुक करने का मौका मिलेगा, आईफोन बुक करने का मौका मिलेगा। अब आप लोग तो जानते हो सर कितना लोग आईफोन का फॉन्ट होता है, आईफोन का न्यू सीरीज का फॉन्ट कितना लोग होता है ना। तो आपका फ्रेंड को चाहिए आईफोन, ठीक है, फर्स्ट लॉन्चिंग डेट में ही उसको चाहिए, और अभी दाम डिसाइड नहीं हुआ मार्केट में, तो वो क्या दाम आ सकता है। एक प्रेडिक्शन चल रहा है मे बी 80, मे बी 75, मे बी 78, पता नहीं सर। अब आपको एक मौका मिल रहा है, आपका फ्रेंड बोल रहा है कि मुझे आईफोन चाहिए तो मेरे को बेच दो, तो तुमने बोला कि अच्छा ठीक है मैं बेच दूंगा, लेकिन तुम क्या तुम्हारे पास आईफोन आया है सर, प्लीज टेल मी। अभी भी आईफोन लॉन्च ही नहीं हुआ है मार्केट में, तो तुम उसको सेल कैसे कर रहे हो। सर आपने बुक किया ना, और आप अपने दोस्त से ऑर्डर ले रहे हो, और ऑर्डर के कारण आप उससे सेल कर दे रहे हो, पहले ही सेल कर दे रहे हो। अभी भी आईफोन मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुआ लेकिन आपको बुकिंग मिल गया है, ठीक है, फ्लिपकार्ट में बुकिंग हो गया आपका, आएगा तो आपको जरूर दिया जाएगा, लेकिन दाम कितना पड़ेगा अभी भी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन आपका फ्रेंड यहाँ पर बैठे बैठे बोल रहे कि भाई मुझे देना, ठीक है, और आप यहाँ पर बुक करके बैठे हुए हो, सोच रहे हो कि कैसे प्रॉफिट किया जाए, जो फोन मुझे अभी तक मिला नहीं इससे। तो आप अपने फ्रेंड को यही मोबाइल कितने में बेच रहे सर,
मैं मान के चलता हूँ 80,000 में, बात बात को ध्यान से समझना। बट सर आपने वो फोन बेचा जो फोन अभी भी आपने ओन नहीं किया, जो फोन अभी भी आपने ओन नहीं किया मतलब आपने अभी खरीदा ही नहीं, अब 80,000 में उस फोन को अपने दोस्तों को बेच दिए। अब 20 देखते देखते आज 23 जून है, देखते देखते 29 जून भी आ जाएगा। 29 जून में मार्केट में फोन का दाम हुआ 29 जून में प्राइस आया सर 75,000, तो आपको कितना पड़ेगा 75, और आपने दोस्त को कितने में बेचा था बोलो सर 80, तो कितने का प्रॉफिट हुआ आपका 5,000। अगर अच्छा उल्टा पड़ जाता तो सर, अगर मार्केट में फोन का प्राइस भी 75 आया और आप भी अपने दोस्त को 75,000 में ही बेचता तो प्रॉफिट कितना होता? नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो प्रॉफिट होता सर। सर अगर ऐसा होता कि मार्केट में आपने दोस्त को बेच दिया होता 72,000 में और फोन मार्केट में आया 75,000 में, तो आपका 3,000 का लॉस हुआ ना सर, शॉर्ट सेल। हर केस में आपने पहले सेल ही किया बाद में बाई किया, तो सर शॉर्ट सेलिंग में प्रॉफिट भी हो सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो ये शॉर्ट सेल हम लोग डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हैं और करते भी हैं ऐसा, ठीक है, करते भी ऐसा कि बिल्डिंग बना नहीं, बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले बिल्डिंग बेच दिया, ठीक है, और फिर बाद में पैसा ले लिया। ये इस तरह का एग्जाम्पल हम लोग कुछ देर मतलब कुछ फ्यू क्लासेस पहले ही फ्यूचर मार्केट में ही हम लोगों ने यूज किया था, ठीक है, तो ऐसा होता है सर। सर जस्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, बोलो सर। सर सपोज हम कोई स्टॉक में शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए शॉर्ट सेलिंग का प्राइस है 20,000 रुपए तक है, ठीक है, तो मेरा अकाउंट में लेकिन डिमांड मान लीजिए 20,000 सपोज कर, अच्छा ठीक है, और मेरा अकाउंट में पैसा नहीं है, मतलब डिमांड अकाउंट में मेरा पैसा नहीं है, तो सिंस हम उसको बाय नहीं कर रहे हैं बट सेल कर रहे हैं, तो क्या मेरा अमाउंट 20,000 रुपया डिमांड अकाउंट में होना जरूरी है उस समय? सर अगर देखिए, अगर ये स्क्वायर ऑफ करने के टाइम पे आपका बैलेंस नहीं रहेगा ना, आप सेल कर दिए ऑर्डर ले लेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सेल कर दिए आपका ऑर्डर तो एग्जीक्यूट कर लेगा, मानो कि कोटक बैंक में आप शॉर्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, कोटक बैंक का शेयर आप 1687 में सेल कर दे रहे हो बट आपके अकाउंट में 1687 नहीं है एग्जाम्पल के तौर पे, अब आप सेल करोगे तो वो सेल ले लेगा, बट यहाँ पर अगर इंट्राडे करते हो आप तो दिन के एंड पे क्या होगा, ये स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, मतलब सेल किया तो बाई करना पड़ेगा, है ना, जैसे बाई होता है तो सेल होता है ना, उसी तरह से तो सेल होगा तो बाई भी होना पड़ेगा, और अगर आप बाई नहीं कर पाओगे तो बाई करने के टाइम पे आपके पास फंड होना चाहिए, तो जब ब्रोकिंग फार्म इसको स्क्वायर ऑफ करने जाएगा और देखेगा आपके पास फंड नहीं है तो आपका ऑर्डर को इनवैलिड कर देगा, चार्जेस भी लिवाई कर देगा मेरा ऊपर सर। हाँ, कभी कभी चार्जेस भी, अगर बिना फंड का आप करते हो तो कभी कभी चार्जेस भी लगा देता है। फ्यूचर मार्केट में क्या होता है, कई बार फ्यूचर मार्केट में कि ब्रोकिंग फर्म आपके तरफ से फंड में पैसा डाल देता है और फिर आपसे पैसा ले लेता है, वो उसी का करता है जो अच्छा अच्छा ट्रेडर है, मतलब जो कंपनी के साथ रेगुलर बेसिस में ट्रेड करता है उसके लिए, मतलब क्लाइंट ऐसा क्लाइंट के लिए ब्रोकिंग फर्म खुद से भी पैसा दे देता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ यही होगा कि जितना अमाउंट का मेरे को मांगा है उतना फंड रख ले पहले से। हाँ, ऑब्वियसली तभी आपका सब कुछ प्रॉपरली होगा, लेकिन बिना फंड का करने जाओगे स्क्वायर ऑफ के टाइम पे स्क्वायर ऑफ भी नहीं होगा, फालतू का ब्रोकिंग चार्जेस भी लग जाएगा, ये खेल चलता है सर, ठीक है। अब आगे आगे मैं आपको सारा चीज बताता हूँ, इसका टेक्निकल मैटर्स क्या चलता है, क्या होना चाहिए, सब बताता हूँ, चलो देख ले। ओके, तो फिर इतना देर से समझ में आ ही गया कि शॉर्टिंग का बात जब भी मैंने किया पहले सेल करो बाद में बाई करो, ये सिंपल शॉर्टिंग हो गया, लेकिन इसको प्रॉपर वे में अप्लाई कैसे करना है, व्हाट वुड कंपेल अ ट्रेडर टू सेल समथिंग फर्स्ट एंड देन बाय इट। मोबाइल के एग्जांपल से भी आई होप क्लियर है रोशनी प्रिया, आई थिंक मोबाइल के एग्जांपल से शॉर्टिंग क्या है वो तो क्लियर है, यस और नो? यस, थैंक यू।
तो व्हाट कंपेल अ ट्रेडर, एक ट्रेडर को क्या चीज बाध्य करता है कि पहले सेल करें और बाद में बाय करें? वेल इट इज क्वाइट सिंपल, व्हेन वी बिलीव द प्राइस ऑफ एन एसेट सच ए स्टॉक इज लाइकली टू इंक्रीज वी बाय द स्टॉक फर्स्ट एंड सेल इट लेटर। जब हमें ये बिलीव सिस्टम आता है कि भाई स्टॉक का दाम बढ़ेगा तो पहले बाय कर लेते हैं बाद में सेल कर देते, है ना? लेकिन हमारा बिलीव सिस्टम मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अब थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। द प्राइस ऑफ द स्टॉक इज गोइंग टू डिक्लाइन। जब हमें ये फीलिंग आता है या ये पॉइंट ऑफ व्यू आता है कि मार्केट गिरने वाला है या फिर पर्टिकुलर स्टॉक का दाम नीचे जाएगा, से फॉर एग्जाम्पल हैवेल्स, ठीक है? चलो मैं हैवेल्स का चार्ट ओपन करके, सर आज मार्केट मोटा मोटी ग्रोथ में दिख रहा है, निफ्टी भी थोड़ा सा खुशी खुशी जा रहा है लग रहा है, ठीक है? निफ्टी भी खुशी खुशी जा रहा है, पॉजिटिव है 157 के, लगातार कुछ दिनों से नेगेटिव गया है ना, थोड़ा सा वो होना ही था, ठीक है? मैं हैवेल्स में बात करता हूँ, ऐसे मैं रैंडमली उठा रहा हूँ सर, कोई किसी का पर्टिकुलर एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, मैं रैंडमली उठा रहा हूँ और जो भी मुझे समझ में आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे मानो कि हैवेल्स का शेयर का दाम अगर आपको लगता है, जैसे मानो कि यहाँ पर इस पॉइंट में अगर किसी ने सोच लिया था, ये ओपन था, ठीक है, ये ओपन प्राइस था और यहाँ पर आके क्लोज हुआ, अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पीरियड में किसी ने सोच लिया कि हैवेल्स का शेयर प्राइस 1120 समथिंग चल रहा था, 1122, ठीक है, और इसका दाम नीचे गिरेगा कितना, मोटा मोटी 1100 में, 1100 में, तो 1122 से 1100 में आएगा अगर आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू बन रहा है, ठीक है? वो टारगेट कैसे बनाया जाता है वो आपको टेक्निकल में सिखाया जाता है कि कैसे आप टारगेट फिक्स कर सकते हो, तो मतलब शेयर का दाम कितना बढ़ सकता है कितना गिर सकता है, ये टारगेट टेक्निकल में आप लोग सीखोगे जब आपको कैंडल स्टिक्स पढ़ाया जा रहा है ना, तो वहां पर स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, टारगेट कैसे फिक्स करना चाहिए, वो सभी चीज आपको टेक्निकल में सिखाया जाएगा। सो दैट्स नॉट अ बिग थिंग कि आपको समझ में ऐसा नहीं आ सकता है अभी और फ्यूचर मार्केट में कि सर 1122 में मैंने अगर मानिए सेल कर दिया तो मुझे टारगेट क्या फिक्स करना चाहिए, 1100 में आएगा ये कैसे पता चलेगा? सर 1100 में आएगा वो टेक्निकल पे पता चलता है, कैंडल देख के, ट्रेंड देख के, ठीक है, रेजिस्टेंस देख के, एवरेज देख के, ये सब देख के पता चलता है क्यों होना चाहिए रिट्रेसमेंट, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, वेव थ्योरी है, ठीक है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जिससे आपको पता लग जाता है कि मार्केट में इसका दाम गिर सकता है, ठीक है, मतलब अगला सेशन में ये गिर सकता है, ठीक है, अगला 15 मिनट में ये नीचे गिरेगा, अगला 15 मिनट में ये ऊपर जाएगा। तो अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्टिंग का आना है ना सर, जब भी पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट का आएगा तो आप 1122 में ओपन कर, अगर 1122 में सेल कर देना और 1100 में आके बाई कर देना, बात तो सिंपल इतना होता है। अब मार्केट का काम है कि आपको प्रॉफिट देके वो जो भी होगा आपका प्रॉफिट बुक कर देगा। मार्केट मतलब ब्रोकिंग फार्म, आपका जो कॉन्सेप्ट दिखता है ना सर बैकग्राउंड में, वो ना इतना ज्यादा नहीं देखता, वो देखता है अगर इंट्राडे है स्पेशली, ठीक है, मैं पहले इंट्राडे में बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर इंट्राडे समझ में आ जाएगा तो फिर मैं धीरे धीरे आपको फ्यूचर भी समझा दूंगा, ठीक है? तो इंट्राडे पहले थोड़ा समझ लो। ब्रोकिंग फार्म बस इतना देखता है कि भाई मेरा 9:15 में किसी ने मेरा सेल कर दिया, अगर इंट्राडे में है, ठीक है, शॉर्टिंग इंट्राडे में, शॉर्टिंग सिर्फ इंट्राडे में ही होता है प्रेजेंट स्पॉट मार्केट में, मतलब जो मार्केट रेगुलर लाइव चलता है प्रेजेंट डे में, स्पॉट मार्केट में इंट्राडे में ही शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है? अगर शॉर्टिंग आपको किसी, मतलब से फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा इसको डिटेल्स में बता देता हूँ, एक सेकंड, मानो कि आपने ये प्रेजेंट मार्केट है सर, ठीक है, ये हैवेल्स है, सिंपल हैवेल्स है, अगर मैं यहाँ पर हैवेल्स फ्यूचर लिखता तो हैवेल्स फ्यूचर आता, मैं सिंपल हैवेल्स में बात कर रहा हूँ। हैवेल्स सेल करके अगर आपको बाई करना है तो आप इंट्राडे में ही कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप लॉन्ग टर्म में हैवेल्स को सेल कर दिए और बाद में बाई करने का सोच रहे हो, इंट्राडे में नहीं होगा, फ्यूचर मार्केट में होगा। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट मार्केट में करना है, इंट्राडे में करो और सेम डे में ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, मतलब आपका पोजीशन को क्लोज कर दिया जाएगा। 9:15 में अगर आप सेल करोगे तो 3:20 के आसपास या 3:30 के आसपास बाई करके जो भी दाम रहेगा, अगर आप खुद से नहीं करते हो तो ब्रोकिंग फार्म ही उसको बाई करके आपका पोजीशन को क्लोज कर देगा, और दिन के एंड पे वो बस यही चीज देखेगा कि कितने में बाई था और कितने में सेल था, भले ही आप बीच में सेल, आपने बाद पहले सेल किया बाद में बाई किया, पर मार्केट उसको एक बाई सेल ट्रांजेक्शन ही नजर आता है। क्या आपको मेरा बात समझ में आया? आपने सेल पहले किया बाद में बाई किया, बट क्योंकि वो इंट्राडे है, दिन के एंड पे मार्केट क्या देखेगा, कितने में बाई हुआ था कितने में सेल हुआ था, क्योंकि जब भी वो पोजीशन क्लोज करेगा उसको बोला जाता है स्क्वायर ऑफ करना,
स्क्वायर ऑफ करने के टाइम पे वो सिर्फ बाई एंड सेल देखेगा, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं, पोजिशन क्लोज हुआ है कि नहीं, इसमें ही उसका खुशी है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। कौन? ब्रोकिंग फार्म, जो बैकग्राउंड से एक्सचेंज और ब्रोकिंग मिलके जो काम करता है, डीएससी एनएससी या ब्रोकिंग फार्म मिला के जो क्लाइंट को करता है, ठीक है। तो वो बस इतना देखेगा, भले ही आप सेल पहले करो बाद में बाई करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपका पॉइंट ऑफ व्यू सही होना चाहिए। जितना रेड कैंडल है, ये हर तरह का रेड कैंडल में आप शॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग मारू बोजू रिसेंटली क्लास में टेक्निकल में किए हैं, मारू बोजू अगर आपको फॉर्म होते दिखता है ना सर, आप मारू बोजू में आराम से शॉर्टिंग कर सकते हो, ठीक है, अगर आप श्योर शॉर्ट हो तो, ठीक है। तो मारू बोजू में भी शॉर्ट होता है, डिफरेंट कैंडल्स में भी शॉर्टिंग होता है सर, अगर आपको श्योरिटी है कि हाँ भाई अगला सेशन में मार्केट गिरने वाला है, तो आप एकदम अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो सर, ठीक है। लेकिन वो टेक्निकल के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना आपको, हाँ बोलो सर। सर मारू बोजू जो फॉर्म होता है, तो अगर उसका प्राइस होता है, जो उसका ऊपर वाला जो प्राइस होता है 1200 है, और उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 1100 है, तो हम लोग तो पहले 1200 में पहले उसको सेल कर देंगे और फिर 1100 में बाई कर सकते हैं ना। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि वो क्लोज जब होगा तभी आपको से बाई करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप अपने टाइम कभी भी आप बेच सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर मानो कि मैं यहाँ पर मारू बोजू मुझे दिख नहीं रहा है, मैं ऐसे एक कैंडल उठा लेता हूँ, मानो ये वाला कैंडल, इस पे आपने अगर आपको शॉर्ट सेल करना है तो आप इस पॉइंट पे सेल कर दो, ठीक है। बिकॉज आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या बना है, 15700 में सेल कर दो, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट गिरेगा, ठीक है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगला सेशन में मार्केट गिरेगा, तो जैसे ये 15300 में आएगा आप बाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप इसी पॉइंट में करो, आप यहाँ पर भी कर सकते हो। आपको ऐसा भी हो सकता है ना बीच में कि नहीं नहीं मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है, मैं 15400 में ले लेता हूँ, मैं 15800 500 में ले लेता हूँ। अब अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जितना अच्छा प्रेडिक्शन कर पाएगा उसका उतना अच्छा प्रॉफिट, जो कम कर पाएगा कम प्रॉफिट। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि आप एंड पे जाके ही सेल करो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप खुद से कुछ नहीं करोगे, इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूं सर, तो मार्केट उसको क्लोजिंग प्राइस में जैसा जाएगा तभी उसी दाम पे आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा हर दिन के बेसिस पे। अगर आप खुद से कुछ नहीं करोगे तो मार्केट खुद कर लेगा, ब्रोकिंग फार्म ही कर लेगा, वो ऑटोमेटिक है। मानो कि आप भूल गए चले गए तो मार्केट अपने हिसाब से उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा, मतलब ब्रोकिंग फार्म, क्योंकि इंट्राडे था और इंट्राडे में वो करना ही है। नहीं समझ में आया सर, बोलो। समझ आया सर, अल्टीमेटली तो यही हो जाता है ना कि पहले बाई फिर सेल, हम लोग ये शॉर्टिंग यहाँ पर करते हैं, बट अल्टीमेटली तो दिखता यही है। हाँ, बैकग्राउंड में वही दिखता है, लेकिन आप करते हो सेल पहले बाद में बाई, आपके लिए वो सेटलमेंट हो जाएगा। अल्टीमेटली होगा वही, वो मार्केट उसको पहले बाई बाद में सेल की तरह ही सोच लेगा, वो मार्केट का ऊपर है, उसको हमें एक्चुअली दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए। हमें अगर लगता है मार्केट गिरेगा तो पहले सेल करो बाद में बाई करो, सिंपल सा ट्रिक्स है। लेकिन अभी भी किसी किसी के मन में कंफ्यूजन है, वेल लेट मी ट्राई गिविंग मे रूडिमेंट्री एनालॉजी जस्ट सो दैट You can get the gist of concept at this stage. Imagine your friend and you are watching a nail-biting India-Pakistan cricket match. Both of you are in a mood of a little wager. Wagering समझते हो सर? Wagering कोई logically नहीं चलता. Wage मतलब जीतेगा तो तुम देना, हारेगा तो मैं दूंगा. इसको wage बोलते हैं ना सर? Betting या waging है ना? Wagering बोलते हैं. ठीक है? Contract में सिखाया जाता है. जो लोग business law का पढ़ाई करते हैं, उनको law of contract वगैरह में ये wagering contract क्या होता है बताया जाता है सर. Okay सर. You bet that India is going to win the match. आपका bet ये है कि India match जीतेगा. And your friends bet that India lose the match. Quite naturally, this means you make money in if India wins. अगर India जीतता है तो आपको पैसा मिलेगा. Likewise, your friend would make money if India were lose the match. अगर India हारता है. Now for a minute, think of the India as the Indian cricket team in this context. मतलब India मतलब यहाँ पर Indian cricket team भारत नहीं सर. ठीक है? As a stock trading in the stock market. मतलब ये जो Indian cricket team है, इसको एक स्टॉक मान लो, जैसे निफ्टी को एक स्टॉक माना था कुछ देर पहले, हैवेल्स तो एक खुद में ही स्टॉक था, मैंने रैंडमली उठाया था,
यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम को एक स्टॉक मान सकते हो सर 2 मिनट के लिए? इंडियन क्रिकेट टीम को एक स्टॉक मान सकते हो? बोलो ना। हाँ सर। ठीक है, 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लो कि इंडियन क्रिकेट टीम एक स्टॉक है। तो एज ए स्टॉक ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट, कौन सा स्टॉक है? इंडियन क्रिकेट टीम। When you do so, your bet is equivalent to saying that you would make money if stock goes up. आपका concept क्या था? कि अगर इंडिया जीतेगा, इंडियन क्रिकेट टीम जीतेगा, तो इंडियन क्रिकेट टीम पे आप बुलिश थे, मतलब आप पहले buy करोगे if India wins the match. And your friend would make money if the stock goes down. That means if India lose the match. So in market parlance, you are long on India and your friend is short on India. मेरा सोच इंडिया के लिए long था, ठीक है, और मेरे friend का सोच इंडिया के लिए short है। इंडिया क्या है यहाँ पर? इंडियन क्रिकेट टीम है, और इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो मेरा फ्रेंड का कॉन्सेप्ट शॉर्टिंग का है कि इंडिया हारेगा तो उसको पैसा मिलेगा, और मेरा सोच है इंडिया जीतेगा तो मुझे पैसा मिलेगा। ये फर्क होता है शॉर्ट में और लॉन्ग में। आई होप कि क्लियर हो गया। हर तरह से मैं आपको शॉर्टिंग के बारे में बता दिया। अगर स्टिल कंफ्यूज मे नॉट आई सपोज दैट बट वुड इमेजिन अ फ्यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्रॉलिंग इन योर माइंड। If you are completed now the shorting, just remember this one point for now. When you feel the price of a stock is likely to decline, you can make money by shorting the stock. जब मतलब सिंपल इतना समझ लो जो मैं आपको तब से बोले जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि शेयर का दाम गिरने वाला है, आप उसको शॉर्ट कर दो, मतलब पहले सेल बाद में बाय। The short stock of futures you will have to sell first and buy later. In fact, the best way to learn shorting is by actually shorting a stock in future and experiencing the profit and loss. However, in this chapter मैं आपको धीरे धीरे सारा चीज स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में बताऊंगा, बिकॉज सिर्फ इंट्राडे मार्केट ही नहीं, मतलब स्पॉट मार्केट ही नहीं, मैं आपको फ्यूचर भी बताऊंगा। तो शॉर्टिंग स्टॉक इन स्पॉट मार्केट कैसे होता है? स्पॉट मार्केट में ऑलरेडी मैं आपको तब से बताते जा रहा हूँ सर। तो बिफोर वी अंडरस्टैंड हाउ वन कैन शॉर्ट अ स्टॉक इन फ्यूचर मार्केट, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ शॉर्टिंग वर्क्स इन स्पॉट मार्केट। थिंक अबाउट द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन। एक सिचुएशन लेते हैं, ए ट्रेडर लुक्स एट डेली चार्ट ऑफ HCL टेक्नोलॉजी। चलो हम भी यहाँ पर HCL ले लेते हैं। HCL का नाम तो सुने ही आप लोग। हाँ सर। क्या सभी सबको दिख रहा है सर? मैं ऐसे ही ले लिया रैंडमली। सुमित जी, रोशनी, प्रिया, बोलो सर। यस सर। तो यहाँ पर मैंने ऐसे HCL का उठा लिया, HCL टेक का। ठीक है, ये थोड़ा जो डेटा यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा पुराना है, बट कॉन्सेप्ट वही है सर। कॉन्सेप्ट देखो, a trader looks at the daily chart of HCL technology limited and identify the formation of bearish marubozu. अरे बाप, मैंने सोचा नहीं था marubozu के बारे में। आजकल क्लास में भी marubozu recently discussions हुआ technical में। तो marubozu में जैसे वो टकला होता है, उसके सर पे बाल नहीं होता, कम बाल होता है, ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट में marubozu होता है। तो जो ट्रेडर है वो marubozu के बारे में सोच रहा है कि बियरिश marubozu फॉर्म हो रहा है HCL में। ठीक है, अलॉन्ग विद द बियरिश marubozu आदत चेकलिस्ट। अच्छा, marubozu के साथ साथ उसको और भी चीजें देखना पड़ता है जो टेक्निकल में सिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल के अंदर हम लोग क्या क्या और भी सीखेंगे। एक तो कैंडल स्टिक्स में एक marubozu तो एक कैंडल है, ऐसे और भी 20-25-30 का कैंडल्स और भी पॉपुलर कैंडल्स होते हैं जो क्लास में सिखाया जा रहा है। ठीक है, अभी लाइव क्लास चल रहा है बुधवार और शुक्रवार को, उसमें आपको एक एक कैंडल्स के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर और भी चीजें, सिर्फ कैंडल इनफ नहीं होता, एवरेज वॉल्यूम देखा जाता है, प्रेजेंस एंड रेजिस्टेंस लेवल देखा जाता है, इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन देखा जाता है। ठीक है, एंड रिस्क एंड रिवर्ड रेशियो सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं ये भी देखा जाता है। तो ऐसा और भी 4-5 पैरामीटर होता है, इसको चेकलिस्ट बोलते हैं, टेक्निकल चेकलिस्ट। चेकलिस्ट टेक्निकल का भी होता है, चेकलिस्ट फंडामेंटल्स का भी होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी चेकलिस्ट होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेड में भी चेकलिस्ट होता है। तो जैसे पूरा टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको ये चेकलिस्ट मैं समरी करके बता दूंगा कि जब भी कोई शेयर परचेस करने जाओ या ट्रेड करने जाओ क्या क्या देख के आप कंफर्म ट्रेड ले सकते हो, श्योर शॉर्ट ट्रेड कैसे ले सकते हो। वो समय लगेगा सर, थोड़ा सा कंप्लीट होने में समय दो। अच्छा, तो सिर्फ कैंडल स्टिक्स नहीं, उसके साथ साथ बाकी और भी पैरामीटर था। तो बेस्ड ऑन द एनालिसिस द ट्रेडर इज कन्विंस दैट HCL टेक्नोलॉजी विल डिक्लाइन बाय एटलीस्ट 2%। सारा का सारा टेक्निकल चेकलिस्ट देखने के बाद ट्रेडर जो है उसको लग रहा है कि मार्केट 2% में HCL का गिरने वाला है फॉलोइंग डे में। नाउ गिवन द आउटलुक द ट्रेडर वांट्स टू प्रॉफिट बाय एक्सपेक्टेड प्राइस डिक्लाइन। अब उसका क्या माथा में चल रहा है? उसके माथा में चल रहा है कि प्राइस गिरने वाला है।
हेंस दे डिसाइड टू शॉर्ट दिस स्टॉक. उसने सोचा कि अभी शॉर्ट कर देंगे क्योंकि मार्केट गिरने वाला है. लेकिन मार्केट गिरने वाला है हवा में नहीं सोचा. हेलो, मार्केट गिरने वाला है एचसीएल का, क्या ये हवा में सोच लिया सर? प्लीज टेल मी. या फिर उसने पैरामीटर को, एनालिसिस हाँ बोलो. किया, उसने टेक्निकल एनालिसिस किया। यस सर, सारा का सारा टेक्निकल चेकलिस्ट, मैटर को उसने, थैंक यू सर, चेकलिस्ट देखा, कंफर्म हुआ. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर मारुबोजू से एग्जांपल था. मारुबोजू है सर, ये जो लोग रिसेंटली मारुबोजू का क्लास किया है उनको पता चल रहा है सर, ये मारुबोजू है. इसके देखो सर पे कोई बाल नहीं है और नीचे हल्का सा है, हल्का सा है, हल्का फुल्का रह सकता है. इसको बोलते हैं बी फ्लेक्सिबल विथ क्वांटिफाई एंड वेरीफाई. थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको रहना पड़ेगा, एकदम कॉपी बुक नहीं होता है हमेशा. तो ये मारुबोजू फॉर्मेशन क्या बता रहा है सर? कि मार्केट गिरने वाला है क्योंकि ये डाउन. अच्छा, पहला बात तो मारुबोजू में कोई ट्रेंड नहीं होता, प्रायर ट्रेंड, बट फिर भी अगर मारुबोजू फॉर्म हो जाए ना, वो भी रेड मारुबोजू, बेरिश मारुबोजू, ये बेरिश है. सिर्फ मारुबोजू में आपको ये बता जा रहा है कि मार्केट आगे आगे गिरेगा. देखो यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप या फिर डोजी फॉर्म हुआ है, मतलब मार्केट इनडिसीजन में है, मतलब सोच रहा है कि क्या होगा. ठीक है, इस तरह से इस मारुबोजू के बाद जिसने भी पोजीशन लिया था, धीरे धीरे मार्केट अगला 3-4 दिन में और गिरा है. तो अगर किसी ने इस पॉइंट पे पोजीशन ले लिया, अगर इस पॉइंट में, मतलब यहां पर मार्केट क्लोज हुआ और यहां पर पोजीशन लिया और 1120 में सेल कर दिया इस सेल को, अब अगला 2-3 दिन सेशन तक वो वेट करेगा. ठीक है, जैसे ये अगर मानो कि 12 तारीख को ये पोजीशन लिया यहां पर, ठीक है, 1120 पे, अब 12, 13, 14, 15, मोटा मोटी अगला 7-8 दिन तक वो देखेगा मार्केट का और वो उसका पूरा सोच है कि मार्केट अगला कुछ दिनों में गिरेगा. ठीक है, ये डे के हिसाब से है. जो लोग मिनट के हिसाब से करेगा वो मिनट का देखेगा. देखो सर, ट्रेडर बनने का अलग अलग होता है सर. 1 मिनट का भी ट्रेडर होता है, 2 मिनट का भी ट्रेडर होता है, उसको स्काल्पर कहते हैं. जो मिनट के हिसाब से करते हैं उसको स्काल्पर कहते हैं, जो घंटे के हिसाब से करते हैं उनको डे ट्रेडर कहते हैं, जो दिन के हिसाब से करते हैं उसको भी डे ट्रेडर कहते हैं, जो वीकली और मंथली के हिसाब से करते हैं उनको उनको पोजिशनल ट्रेडर या फिर बोलो स्विंग ट्रेडर कहते हैं. थैंक यू सर. ठीक है, तो वो अपने अपने ऊपर है, वो आप देख लेना. जैसे जैसे आप आगे आगे एक्सपर्ट बनोगे ना, वो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा ज्यादा समझ में आ रहा है. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर पोजीशन ले लिए ना कि मारुबोजू फॉर्म होते देखा, फिर यहाँ पर इंडिसिशन भी हुआ, तो हर चीज आपको डिनोट कर रहा है कि भाई आगे मार्केट में कुछ होने वाला है, मतलब मार्केट नीचे गिरने का चांसेस है. ठीक है, तो ऐसे मोमेंट में भी अगर आप 1120 में भी सेल कर देते हो, तो अगले कुछ सेशंस में मार्केट अगर 1050 में भी आ जाता है, तो जितने का डिफरेंस है इतने का प्रॉफिट आप बुक कर लो. मैं सिर्फ यहाँ पर मारुबोजू समझाया, ज्यादा कुछ नहीं समझाया. लेकिन बाकी पैरामीटर जब टेक्निकल खत्म होगा, टेक्निकल खत्म नहीं, टेक्निकल पे आगे आगे जैसे ही टेक्निक मतलब कैंडल स्टिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि चेकलिस्ट देख के आप कैसे कन्फर्म ट्रेड ले सकते हो. अभी ये मैं हर एक पैरामीटर को फुलफिल नहीं किया सर, मैं आपको एक रफ आइडिया दिया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मारुबोजू. ठीक है सर, अब आगे आगे जैसे जैसे आप टेक्निकल का क्लास करते जाओगे, आपका ये सब चेकलिस्ट क्लियर होते जाएगा. इसीलिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड टेक्निकल एक साथ करना चाहिए, क्योंकि तभी ना एक्चुअली झंडा सही तरह से गाड़ा जाता है, मतलब सुविधा तभी होता है सर. इसीलिए मेरा हमेशा सबको सजेशन होता है कि सर सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस मत करो, साथ में टेक्निकल को भी पढ़ते रहो, नहीं तो आपका ज्ञान आधा अधूरा हो जाएगा. देखो सर, मैं क्या करूंगा, यहाँ पर शॉर्टिंग का बता रहा हूँ आपको, ऑटोमेटिक आ जा रहा है. फ्यूचर शॉर्टिंग भी करोगे तब भी सेम बात है ना, प्रेजेंट डे से अभी मैं फ्यूचर में 2 मिनट में जाऊंगा. अच्छा, आगे बात को बढ़ाते हैं सर. तो हमारे पास एचसीएल के बारे में क्या सोच विचार है, देखो ये जिस टाइम पे ये नोट बना गया था उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ अभी, लेकिन आपको मैं लाइव मार्केट में भी अभी भी दिखाया. एचसीएल टेक्नोलॉजी, इसका ट्रेड टाइप है शॉर्ट, मैं शॉर्ट करूंगा. शॉर्ट में क्या होगा, सेल फर्स्ट बाय लेटर. शॉर्ट में सेल फर्स्ट होता है, बाय लेटर होता है सर. ट्रेड ड्यूरेशन इंट्राडे है सर मेरा, फ्यूचर मार्केट में एक्सपायरी तक जाता है, मैं भी एक्सपायरी तक नहीं जाऊंगा, इंट्राडे में एक्सपायर कर दूंगा. मेरा शॉर्टिंग प्राइस है 1990, एग्जाम्पल के तौर पे मैं 50 शेयर में शॉर्ट करूंगा सर.
मेरा टारगेट प्राइस है 1950, ये टारगेट भी फिक्स करना टेक्निकल में आपको सीखने को मिल जाएगा कि कैसे आप टारगेट फिक्स कर सकते हो। तो अगर 1990 में आप HCL का शेयर परचेस करते हो और 1950 में आपका टारगेट होता है, और जैसे आपने सोचा था, जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू था एज पर मारुबोजू, एज पर अदर टेक्निकल चेकलिस्ट, पॉइंट ऑफ व्यू जैसे फुलफिल होगा, 2% में मार्केट गिरने वाला है, किसका? HCL का। तो अगर 1950 में आता है, ठीक है, तो आप प्रॉफिट करोगे। अच्छा, स्टॉप लॉस भी लगा देना चाहिए। तो मोटा मोटी 1950 में अगर आपका टारगेट है, 1990 से अगर 1950 में ये गिरेगा, तो आप कितना प्रॉफिट कर लोगे सर? 40 पर शेयर। लेकिन सर आपको स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए 2000 में। सर ये कैसे होता है? ये भी आपको टेक्निकल पे ही सिखाया जाता है कि स्टॉप लॉस वो मारुबोजू का, जैसे मैंने यहाँ पर मारुबोजू बताया, ठीक है, मारुबोजू, या फिर जब आपको मैं दूसरा कैंडल्स भी बताऊंगा ना, तो उसमें स्टॉप लॉस कहाँ पर फिट करना चाहिए उसका टेक्निक बताया जाता है कि किस पॉइंट में स्टॉप लॉस सही बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे करेंटली 2000 सोच लो, मतलब अगर मार्केट 1990 से 1950 की तरफ ना जाके 2000 की तरफ चला गया, तो बात को समझे सर, आपने शॉर्ट किया, शॉर्ट करने के बाद मार्केट बढ़े ये कभी भी आपका इच्छा नहीं रहेगा। नॉर्मल लोई में सोचो मत, नॉर्मल लोई में लोग मार्केट बढ़ने में खुशी होता है, बट एक बार शॉर्ट सेल करने के बाद मार्केट अगर बढ़ जाए तो आप गलत हो जाओगे ना। हेलो, प्रिया इटा बुझते पर ली प्रिया, प्रिया राज की आवाज। शॉर्ट सेल डिसाइड करने के बाद अगर मार्केट बढ़ जाए तो दिक्कत है ना सर, क्योंकि वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू के ऑपोजिट चला जाए, खिलाफ है। थैंक यू सर। ठीक है, तो 1990 से अगर शेयर 2000 की तरफ बढ़ जाता है तो आपका 10% का लॉस हो जाएगा, तो फिर आप कितने का रिस्क ले रहे हो यहाँ पर? 10 रुपीज का रिस्क पर शेयर पे, और रिवॉर्ड अगर मिलेगा आपको तो 40 का रिवॉर्ड मिलेगा। थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा सर, बिना रिस्क का रिवॉर्ड नहीं मिलता। ठीक है, बिना रिस्क का रिवॉर्ड नहीं मिलता, थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे कल मुझे ईशा ने पूछा था, हाँ बोलो सर, किसी का सवाल आ रहा है, बोलो। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि सर, जैसे कि स्पॉट प्राइस में से 1990 में HCL बोले, तो अगर इंट्राडे करते हैं शॉर्ट सेलिंग, तो कुछ हम लोग को मार्जिन मिलता है ना, मतलब एग्जैक्टली 1990 नहीं देना पड़ेगा, कुछ पैसा कम सर, अगर स्पॉट मार्केट में करोगे तो 1990 देना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर मार्केट में करोगे तो आपको कम देना पड़ेगा। फ्यूचर मार्केट में लॉट लेना पड़ता है। एग्जांपल दिखा रहा हूँ लाइव मार्केट से, देख लो सर, ये दिखाइए तो सर, एक बार दिखा देता हूँ। जैसे अगर मानो कि आपको आज के डेट में HCL टेक्नोलॉजी खरीदना है, ये प्रीवियस लेक्चर्स मैंने ना सब कुछ बता के रखा, एक बार आप वो सब क्लास भी एक बार देखेंगे ना, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। जैसे मानो कि अगर आपको HCL अभी बाई कर सेल करना है, ठीक है, मैं शॉर्ट सेल कर रहा हूँ कि HCL का अभी मार्केट प्राइस चल रहा है 975.35, ठीक है, और अगर आप इस दाम में सेल करना चाहते हो और फिर बाद में बाई करोगे, मानो कि एक क्वांटिटी यहाँ पर दिखा रहा है, आप एक के जगह इसको अपने मर्जी से चेंज कर सकते हो, कितना लेना है? 100। अच्छा चलो 50 ही ले लेते हैं, 50 ले लिया, कितना हुआ? 50। ये जो 50 हुआ, ये 50 × 975 करके देखो तो सर कितना हो रहा है? 48,750। ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल मार्केट में करोगे, स्पॉट मार्केट में, इंट्राडे में, ठीक है, तो आपको जितना दाम है उतना ही देना पड़ता है। लेकिन यही चीज जब आप फ्यूचर मार्केट में करोगे, तो फ्यूचर मार्केट में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा काम करता है कि वहां पर, जैसे मैं आपको फ्यूचर में दिखा रहा हूं, जून फ्यूचर ही ले लेते हैं,
देखो सर, कम से कम 700 क्वांटिटी लेने के लिए बोल रहा है एक लॉट में। यहाँ पर लॉट में काम होता है, आप अपने मर्जी से हिसाब नहीं कर सकते, एक एक लॉट वाइज जाना पड़ेगा। हाँ बोलो सर। नीचे अमाउंट मार्जिन रिक्वायर्ड 135,000 511। हाँ ठीक है ये। अब लेकिन अब इसको इनटू करो, 700 शेयर 975 करके टोटल वैल्यू मिल जाएगा आपको। सात सौ शेयर 975 करके आप टोटल करो सर 6,82,500। ठीक है, तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आपका 6 लाख समथिंग का है, लेकिन आप उसको मार्जिन इतना मार्जिन में कर सकते हो। इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में किसी भी स्टॉक मार्केट के देख सकते हैं, जैसे जीरोधा मार्केट, जीरोधा का ही देख लेता हूं मैं, जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर। आप स्टॉक का भी एक है, किसी में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मोतीलाल में भी देख सकते हैं। ये देखिए एफ एंड ओ मैंने सिलेक्ट किया, फ्यूचर मार्केट मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैं इंडस्ट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ, HCL। HCL का मैं जून फ्यूचर के लिए जा रहा हूँ, कितना लॉट साइज बता रहा है 700, जो मुझे वहाँ पर भी दिखा रहा था, इसको मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं अगर इसको सेल करूँगा तो सेल के हिसाब से मैं इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, सेल के हिसाब से। तो देखो यहाँ पर कितना दिखा रहा है, 160,035, जिसमें आपका स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन बता दिया। अभी ये स्पैन और एक्सपोजर ना मैं रिसेंटली जस्ट दो क्लास पहले ही बताया, एक बार प्लीज सुन लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, स्पैन क्या है, एक्सपोजर क्या है, ठीक है, और कैसे स्पैन मार्जिन एक्सपोजर मार्जिन काम करता है। तो इतना 6,00,000-6,50,000 का ट्रेड लेने के लिए आपको इतना ही मार्जिन जमा करना पड़ता है, और इसको बाद में सेटलमेंट कैसे किया जाता है सॉरी ये भी बताया गया सर। ठीक है, या आप कितना प्रॉफिट कर सकते हो, कितना लॉस कर सकते हो, मार्जिन कैसे आपका खत्म हो सकता है, मार्जिन कैसे आपको प्रॉफिट के तौर पे मिल जाता है, और एक्सपोजर मार्जिन क्यों लिया जाता है, स्पैन मार्जिन क्यों लिया जाता है, ये फ्यूचर मार्केट में होता है सर। समझ रहे हैं सुमित जी? ठीक है सर, बाकी 50 क्वांटिटी। हाँ बोलो। पेज खोली ना जिसमें 50 क्वांटिटी लिखे थे आप, क्वांटिटी इसमें नहीं, जीरोधा वाला में। HCL का हाँ, वहाँ 50 क्वांटिटी मारी है सर। हाँ, और सर नीचे देखिए सर, लिखा है मार्जिन रिक्वायर्ड ₹9,750 5x, इसका मतलब क्या हुआ सर? ये लेवरेज के लिए बोल रहा है, ये 5x जो है ना ये लेवरेज है। ठीक है, मतलब ये अगर मानिए कोई इसी को अगर फ्यूचर में करना चाहता है तो वो लेवरेज लेके कंपनी कभी कभी मार्जिन देता है इंट्राडे करने के लिए। ठीक है, इंट्राडे के लिए भी कंपनी कभी कभी मार्जिन देता है डेली बेसिस। ठीक है, तो अगर हम करेंगे तो मैं कितना अमाउंट कटेगा? 9750 से आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बाद में जो सेटलमेंट होगा वो सेटलमेंट अमाउंट आपको देना पड़ेगा प्रॉफिट करने के बाद या लॉस करने के बाद। ठीक है, अब ये जो लेवरेज वगैरह है ना, ठीक है, ये स्पॉट मार्केट में भी कंपनी कभी कभी लेवरेज देता है। ठीक है, कि आप इंट्राडे करो, लेवरेज लेके करो। लेवरेज मतलब आप इतना अमाउंट जमा करो, मतलब देखो ऐसे अगर आप देखोगे तो आपको कम से कम यहाँ पर 48,000 का इंट्राडे हो रहा है ना, तो 48,000 ट्रेड के लिए कंपनी बोल रही है कि अगर 9750 भी लगाओगे, ठीक है, तो 9750 मतलब ऑलमोस्ट 5 गुना आपको, बेसिकली कंपनी 5 गुना ट्रेड करने के लिए आपको दे रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक टॉपिक था, ये वाला चैप्टर एक बार प्लीज पढ़िए। ठीक है, मार्जिन कैलकुलेटर में मार्जिन इन टू एंड लेवरेज एंड पे ऑफ। ठीक है, इसी लेवरेज को मैंने वहां पर समझाया, एक बार पढ़िएगा, अगर कोई डाउट रहेगा मैं क्लास में फिर से बताऊंगा। मेरा अगर 20,000 रुपए भी रहे तो अटलीस्ट हम 20 शेयर ले सकते हैं। मतलब देखो नॉर्मली स्पॉट मार्केट में जितना आपके बैलेंस में रहेगा उतना ही आप ले सकते हो, लेकिन कई बार ब्रोकिंग फर्म आपको मार्जिन देता है। ठीक है, कि भाई आप ज्यादा अमाउंट भी कम मार्जिन में ले सकते हो, बट जनरल सेंस अमाउंट जो मेरा प्रॉफिट अगर मेरा लॉस होता है तो मेरा मार्जिन अकाउंट अमाउंट सही कटेगा। जी जी जी, लॉस होगा तो आपके मार्जिन से काट लिया जाए, सिंपल बात। प्रॉफिट होगा तो कंपनी उसको एडजस्ट करेगा, जो देना है दे देगा उसको, और अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी आपको, लॉस होगा तो कंपनी आपके मार्जिन से ही काटेगा। अगर और भी चाहिए होगा तो इसीलिए एक्सपोजर और स्पैन मार्जिन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, ये मार्जिन का खेल सबसे अच्छा चलता है सर फ्यूचर मार्केट में।
मार्जिन का खेल सबसे अच्छा चलता है फ्यूचर मार्केट, ठीक है। प्रेजेंट मार्केट में मार्जिन का कॉन्सेप्ट कई बार ये ब्रोकिंग कंपनीज वाला थोड़ा देता है, बट सबसे बेस्ट तो ये फ्यूचर मार्केट में ही काम करता है। अच्छा ये वाला एग्जांपल एक बार मुझे कंप्लीट करने। अच्छा ये वाला सेटअप तो क्लियर है ना, 1990 से 1950 रिस्क रिवार्ड का पूरा खेल। हेलो, यस सर। So as we know, when one short a stock or stock futures, the expectation is that stock price goes down and therefore one can profit out of the falling price. So from the table above, the idea is short the stock at 1990. अब 1990 में short कर दो, अगर 1950 आता है तो 40% का profit कर लेना। On the trading platform, when you are required to short, all you need to do is highlight the stock or future contract. ठीक है, या तो stock ले लो, normally future contract में. You wish to short and press F2 on your trading platform. Short keys भी use कर सकते हो, otherwise normal भी होता है. Doing so invoke the sale order from, इसमें आपका sale order आ जाएगा. Enter the quantity and other details before you hit submit. When you hit submit, the order hits the exchange and assuming it gets filled, you would have created a short open position for yourself. मतलब आपने जैसे ही इसको submit कर दिया ना, जैसे simple बात है, जैसे मानो अगर HCL Tech में मैं यहाँ पर जैसे मैंने सेल ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया और जैसे मैंने ये सेल ऑर्डर को सबमिट कर देगा, अब मार्केट में ये ओपन रहेगा, जब तक बाय नहीं होगा ये क्लोज नहीं होगा। मतलब पहले सेल होगा ना तो वो बाय के लिए वेट करेगा, भाई कब बाय आएगा, कब बाय आएगा। तो इंट्राडे में करेंगे तो इंट्राडे के लिए वेट करेगा, ओवरनाइट करेंगे तो एक्सपायरी तक वेट करेगा। बात समझ में आ रहा है सर? इंट्राडे में करेंगे तो इंट्राडे के लिए वेट करेगा, ओवरनाइट में करेंगे तो ओवरनाइट के लिए वेट करेगा। और आपको ये भी चीज मैं लास्ट वीक बताया कि इंट्राडे में और ओवरनाइट में थोड़ा मार्जिन में भी डिफरेंस आपको मिलता है, ठीक है। इंट्राडे में एज वेल एज ओवरनाइट में मार्जिन में डिफरेंस होता है। इंट्राडे में थोड़ा कम मार्जिन होता है, ओवरनाइट में थोड़ा ज्यादा मार्जिन होता है, उसका भी रीजन मैंने समझाया था, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आते हो, ठीक है, और जैसे सबमिट करते हो, आप अपने आप को शॉर्ट पोजिशन लेके ओपन कर देते हो कि भाई अभी जब तक बाई नहीं होगा अब पोजिशन क्लोज नहीं होगा। Anyway, now think about this. When you enter a trading position, under what circumstances would you make a loss? Quite obviously, you would lose money when the stock price goes against your expectation, expected direction. मतलब 1990 में हमारा expectation था, ये वाला example के हिसाब से, अगर ये 1990 से 2000 की तरफ बढ़ता है तो मेरा 10% loss हो जाएगा। अगर 1990 से 1950 की तरफ नीचे ही आता है तो मेरा 40% profit हो जाएगा। So, now point is that, कि क्या करना चाहिए? So when you short a stock, what is expected directional move? आपका expected directional move के तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? The expectation is that stock price would decline, so the directional view is downwards. So when would you start making a loss? When the stock move against the expected direction? And what would that be? This means you will start making a loss if the stock price instead of going down starts to move up. अगर 1990 से down के तरफ ना जाके वो फिर से 2000 के तरफ बढ़ना चालू हो गया, ठीक है, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। इसमें आपका तीन सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। स्टॉक प्राइस अगर टारगेट हिट करता है तो सिंपल बात है, आपने सेल कर दिया था 1990 में, 1950 में बाद में बाय कर लो, तो 1990 माइनस 1950 ₹40 करके पर शेयर का प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। सो इफ यू लुक एट द फ्रॉम अनदर एंगल, अगर इसको आप अनदर एंगल से देखो, यूजुअल बाय फर्स्ट एंड सेल लेटर एंगल, दिस इज एज गुड एज बाइंग 1950 एंड सेल 1990। मतलब बात को समझे, भले ही आपने 1990 में सेल किया और 1950 में बाई किया, बट अगर आप इसको एक सिंपल एंगल से देखो, मतलब मार्केट इसको इस तरह से देखेगा कि आपने बाई किया 1950 में और आपने सेल किया 1990 में। मतलब भले ही आपने पहले सेल किया बाद में बाई किया, बट मार्केट का नजर इसको पहले बाई बाद में सेल ही देख लेगा। वो मतलब वो मानेगा यही कि आपने 1950 में बाई किया था और 1990 में सेल कर दिया। सर बात समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, ठीक है। सिनेरियो टू क्या हो सकता है? अगर आपका स्टॉक का प्राइस बढ़ गया तो 2000 में चला गया, तो सर अगर 2000 चला गया तो मेरा 10% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। मतलब और उसमें मैंने 2000 में स्टॉप लॉस भी लगाया था, ट्रिगर भी आ जाएगा और मेरा स्टॉक जो है फर्दर लॉस से मेरे को बचाएगा। इसलिए जब ट्रेड सेटअप किया जाता है यहाँ पर देखिए ट्रिगर प्राइस दिया जाता है, ये ट्रिगर प्राइस आपको लॉस से बचाने के लिए दिया जाएगा।
जैसे यहाँ पर अगर मैं ECL टेक का जैसे हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से चले तो जो हमारे यहाँ पर चल रहा है 2000 में ट्रिगर प्राइस लगा दो और ट्रिगर आते ही शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज आपने ट्रिगर लगा दिया था और आपका फर्दर लॉस से आप बच जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत लॉस लेने के लिए भी रेडी रहना होगा। ठीक है, और बेसिकली उस टाइम पे आपका सेल तो था 1990 में बट आपका बाई हो जाएगा 2000 में। आपका सेल हो जाएगा 1990 में जो आपने पहले ही किया था बट 2000 में बाई होगा, स्क्वायर ऑफ हो जाएगा 10% का लॉस। ये जो मैंने आपको भी समझाया, ठीक है, ये इंट्राडे में होता है सर स्पॉट मार्केट में। ठीक है, लेकिन सेम थिंग जब आपको ये शॉर्टिंग इन स्पॉट, ठीक है, द स्टॉक एक्सचेंज पर्सपेक्टिव, तो पहले स्पॉट मार्केट में देख लेते हैं। शॉर्टिंग इन स्पॉट मार्केट हैज वन रिस्ट्रिक्शन, इट स्ट्रिक्टली हैज टू बी डन ऑन ए इंट्राडे बेसिस। अगर आप स्पॉट मार्केट में करते हैं तो आपको इंट्राडे में ही करना होगा, मीनिंग यू कैन इनिशिएट द शॉर्ट ट्रेड एनी टाइम ड्यूरिंग द डे बट यू विल हैव टू बाई बैक द शेयर्स और स्क्वायर ऑफ बाई एंड ऑफ द डे। स्क्वायर ऑफ का मतलब पोजिशन क्लोज करना बिफोर द मार्केट क्लोज। यू कैनॉट कैरी फॉरवर्ड द शॉर्ट पोजिशन फॉर मल्टीपल डेज। आप अपने पोजिशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते किसमें, स्पॉट मार्केट में। टू अंडरस्टैंड वाई शॉर्टिंग इन स्पॉट मार्केट इज स्ट्रिक्टली ऑन इंट्राडे, वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द एक्सचेंज ट्रीट द शॉर्ट पोजिशन। इसके लिए BSE या NSE शॉर्ट पोजिशन को कैसे इनिशिएट करते हैं वो समझना पड़ेगा। हमारा दो एक्सचेंज है ना सर बड़ा, ऐसे तो आज के डेट में सेबी में 7 एक्सचेंज काम करता है सर। देयर आर मेनली एक्टिव 7 स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया बट उसमें से सबसे पॉपुलर है 2, NSE एंड BSE। बाकी 5 जैसे MCX है, ठीक है, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है, कुछ और भी मेट्रोपॉलिटन कुछ एक्सचेंजेस है। मैं सेबी के साइट में जाके आपको पहले भी क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली दिखाया, मैं बाद में भी दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन BSE या NSE मेनली सबसे ज्यादा काम करता है, पॉपुलर भी है और एक्टिव भी है सबसे ज्यादा। तो ये शॉर्ट पोजिशंस को किस तरह से एक्सचेंज ट्रेड करता है, व्हेन यू शॉर्ट इन स्पॉट मार्केट यू ऑब्वियसली सेल फर्स्ट। द मोमेंट यू सेल अ स्टॉक द बैक एंड प्रोसेस, मतलब एक्सचेंज क्या करता है, मतलब NSE क्या करता है या BSE क्या करता है, ये आपको समझना होगा। जैसे ही आपने शॉर्ट कर दिया बैक एंड में बोलो क्या करेगा, ब्रोकिंग ब्रोकर से इंफॉर्मेशन लेके वुड अलर्ट द एक्सचेंज दैट यू हैव सोल्ड ए पर्टिकुलर स्टॉक। मतलब ब्रोकर क्या करेगा, एक्सचेंज को अलर्ट कर देगा कि आपने शेयर को सेल कर दिया। एक्सचेंज डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर सेलिंग ऑफ स्टॉक फ्रॉम डीमैट अकाउंट। एक्सचेंज ना रेगुलर सेलिंग को डिफरेंशिएट नहीं करता इस तरह से, एंड शॉर्ट सेल को, रेगुलर सेल को और शॉर्ट सेल को डिफरेंशिएट नहीं करता कौन, एक्सचेंज मतलब BSE NSE। फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट यू हैव सोल्ड द शेयर्स व्हिच वुड ऑब्लिगेट यू टू डिलीवर द सेम। इन ऑर्डर टू डू सो यू नीड टू कीप द शेयर्स रेडी इन योर डीमैट अकाउंट बाय नेक्स्ट डे। हाउएवर द एक्सचेंज वुड नो अबाउट योर ऑब्लिगेशन ओनली आफ्टर द मार्केट क्लोजेस। ये उसको तभी पता चलेगा जैसे मार्केट क्लोज होगा एंड नॉट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। मार्केट आवर में कुछ पता नहीं चलता उनको कि कौन किस क्या सेल किया कौन क्या बाई किया, लेकिन जब मार्केट क्लोज होगा इंट्राडे बेसिस में उसको पता चल जाएगा कि इतना बाई हुआ था इतना सेल हुआ था। मतलब कहने का मतलब वही है कि एक्सचेंज रेगुलर सेल को और शॉर्ट सेल को डिफरेंशिएट नहीं करता। कीप अप द अबव डिस्कशन इन द बैक ऑफ योर माइंड नाउ फॉर ए मोमेंट लेट अस अस्यूम यू हैव शॉर्टेन्ड द स्टॉक एंड होप फॉर टू ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम द प्राइस डिक्लाइन। अब दाम कम होगा तो उसका बेनिफिट लेना चाहते हो। After you short, the price has not declined as expected and hence you decide to wait for another day. However, at the end of the day, exchange would figure out that you have sold share during the day. Hence, you would be required to keep these shares ready for delivery. However, you do not have these shares for meeting your delivery obligation. This means you will default against your obligations. Hence, there should be a hefty penalty for this default. This situation is also referred to as short delivery. Matlab? आपने HCL के शेयर को यहाँ पर बाई सेल कर दिया, बात को समझे सर, लेकिन इंट्राडे में जब आप इसको बाई करने के लिए नहीं कर रहे हो, मतलब सेम डे में आप अपना पोजीशन क्लोज नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पर इंट्राडे चूज किया था बट सेम डे पे आप अपना पोजीशन को क्लोज नहीं करना, ठीक है, सेम डे पे आप अपना पोजीशन को क्लोज नहीं कर रहे हो सर, बात को समझिए। तो यहाँ पर ब्रोकिंग या स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, आपको सेल करने के लिए बोलेगा बट आप क्या कर रहे हो, अब उसको लॉन्ग टर्म में लेके जाना चाहते, पहले सेल कर दिया बट बाई, तो उसमें आपका शॉर्ट डिलीवरी हो जाएगा, इसको शॉर्ट डिलीवरी बोल देंगे। और इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि एक्सचेंज आपके ऊपर या ब्रोकिंग आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज करेगा बिकॉज उसको पोजीशन क्लोज करना था। तो ये रीजन होता है कि स्पॉट मार्केट में इंट्राडे होना जरूरी है, नहीं तो वो ना
मैचअप नहीं कर पाता, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आपको फ्यूचर मार्केट देता है. अंडर ए शॉर्ट डिलीवरी सिचुएशन द एक्सचेंज वुड टेक अप द इश्यूज एंड सेटल इन द ऑक्शन मार्केट. ठीक है, अब धीरे धीरे मैं आपको ये सब भी आगे बताऊंगा, ठीक है, कि किस तरह से वो पेनल्टी इम्पोज करता है नहीं करता है. बट पॉइंट इज दैट ए पीस ऑफ एडवाइस हियर, नेवर गेट इनटू शॉर्ट डिलीवरी सिचुएशंस, ऑलवेज मेक श्योर यू क्लोज योर शॉर्ट ट्रेड बिफोर द मार्केट क्लोज. इतना जान लो, एज द पेनल्टी कुड बी एज हाई एज 20% अबव योर शॉर्ट प्राइस. जितना आपका शॉर्ट प्राइस था उसका 20% आपको पेनल्टी लग सकता है, इतना नॉलेज आप रख लो सर. बट आपने कहा था कि अगर हम भूल जाते हैं उसको बाय करना, स्क्वायर ऑफ करना, तो एक्सचेंज ऑटोमेटिकली क्लोजिंग प्राइस पे उसको स्क्वायर ऑफ कर देता है. जो भी प्राइस रहेगा उसके ऊपर 20% पेनल्टी भी लगाएगा आपको. ये क्यों करेगा सर? वो तो हम नहीं कर रहे, ठीक, बट एक्सचेंज तो कर रहे ना मैं अभी हाफ में. हाँ, आपके बिहार में करेगा, लेकिन आप शॉर्ट सेल लिए हैं सर, तो फिर ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है कि आपको खुद भी करना पड़ेगा. मतलब अगर आप खुद से नहीं करते तो एक्सचेंज तो करेगा, उसको स्क्वायर ऑफ तो करेगा, बट साथ में पेनल्टी भी लगाएगा. मतलब जो भी रेसिड्यूअल अमाउंट होगा, जो बच के जो भी होगा वो हमको दे देगा, या लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा. ठीक है, अगर प्रॉफिट होगा तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप ही को क्लोज करना, क्योंकि आपने शॉर्ट सेल लिया था. मतलब अगर प्रॉफिट होगा ब्रोकरेज अमाउंट भी कटेगा प्लस उसका पेनल्टी भी कटेगा. हाँ सर, बिकॉज आप पोजीशंस क्लोज नहीं कर रहे ना, आपको आप शॉर्ट सेल किए तो आपको करना पड़ेगा. वही इसीलिए मैं थोड़ा बोलता हूँ कि थोड़ा वेट कीजिए, आगे आगे सारा बात समझाऊंगा. करना हम ही, अगर हम नहीं करते पेनल्टी भी देगा, ब्रोकरेज भी देगा. इसमें एक इंपॉर्टेंट थॉट आता है, द एक्सचेंज एनीवे चेक्स फॉर द ऑब्लिगेशन आफ्टर द मार्केट क्लोज. एक्सचेंज सारा का सारा खेल मार्केट क्लोज के बाद चेक करता है. हिंस बिफोर द एक्सचेंज कैन रन द ऑब्लिगेशन चेक, इफ व्हेन आर टू कवर द शॉर्ट पोजीशंस, अगर वो शॉर्ट पोजीशंस पे रहता है, देन देयर वुड बी नो ऑब्लिगेशन एट ऑल बाय एंड ऑफ द डे. हिंस फॉर दिस रीजन शॉर्टिंग इन स्पॉट मार्केट हैज टू बी डन स्ट्रिक्टली एज एन इंट्राडे ट्रेड विदाउट एक्चुअली कैरिंग फॉरवर्ड द डिलीवरी ऑब्लिगेशंस. आपको इंट्राडे में कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं चाहिए. सो डज दैट मीन ऑल शॉर्ट पोजीशंस हैव टू बी क्लोज विद इन द डे? नॉट रियली. आपको हमेशा शॉर्ट पोजीशंस लेके क्लोज करना होगा ऐसा जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको फ्यूचर मार्केट में जाना पड़ेगा. अगर आप शॉर्ट लेके कंटिन्यू रखना चाहते, तो आपको फ्यूचर में जाना चाहिए. जैसे आपको मैं यहाँ पर HCL में दिखा देता हूँ. HCL में जाओ, HCL जून फ्यूचर में जाते हैं, सेल करो. आप सेल करके रहो, क्योंकि HCL जून का जो फ्यूचर का लास्ट डेट है, ठीक है, जो भी जून का जो लास्ट एक्सपायरी है, एक्सपायरी तक आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है. लेकिन हाँ, एक बात है कि इसमें आपको लार्ज क्वांटिटी खरीदना पड़ता है और लार्ज अमाउंट ऑफ मार्जिन जमा करना पड़ता है, जो इंट्राडे में नहीं होता. इंट्राडे में आप छोटा छोटा अमाउंट से भी काम चला सकते हो, बट जब भी आप इंट्राडे छोड़ के फ्यूचर मार्केट में आ जाओगे, आपको क्या करना होगा, आपको मार्जिन अमाउंट अच्छा खासा जमा करना होगा, लॉट में खरीदना होगा. ये थोड़ा सा चक्कर है, बट आपके लिए सुविधा भी देता है, ठीक है. तो फ्यूचर मार्केट में आप इसको आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. आप इंट्राडे के जगह ओवरनाइट भी चूज कर सकते हैं, तो आप आराम से कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना. समझ रहे सर? ठीक है, तो बाकी इसका जो, हाँ बोलिए सर. तो फ्यूचर मार्केट में हम जैसे इंडिविजुअल ट्रेड करते भी हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन मनी बहुत ज्यादा है, 1.5-2 लाख रुपए जमा करना पड़ता है. बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस, देखिए जो जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो करेगा, जिसके पास कम पैसा है वो नहीं करेगा. उसमें क्या है, ये बड़ा बड़ा ब्रोकिंग फर्म कैसे चलता है, वो फ्यूचर और ऑप्शंस में ही तो लोगों को ट्रेड कराता है, ठीक है. उसके जिसके पास करोड़ों है, वो एक एक दिन में 1.5-2 लाख, उनके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं. नॉर्मल इंसान के लिए उसको फ्यूचर मार्केट में ट्रेड करने के लिए अगर पैसा होता है तो करे, नहीं है तो मत करे, जब होगा तब करेगा. लेकिन क्लाइंट को ट्रेड तो इसी तरह से कराया जाता है, ये जो बिग फार्म है लाइक ICICI डायरेक्ट, ठीक है, लाइक मोतीलाल ओसवाल, ये लोग क्या करता है, ये लोग तो ट्रेड कराता है, ये सब इसमें क्या है. तो यही तो मार्केट का पूरा डे टू डे एक्टिविटी है, फ्यूचर मार्केट एंड ऑप्शन मार्केट. यही दोनों मार्केट एक्चुअली मार्केट को डे बाई डे इम्प्रूव कर रहा है. मतलब बेसिकली मार्केट का पैसा इसी तरह से ट्रांसफर होता है. ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में आपको शॉर्टिंग कैसे फ्यूचर मार्केट में करेंगे और उसका क्या इफेक्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है सर? सर दो क्वेश्चन है सर, जस्ट मतलब टॉपिक रिलेटेड नहीं है. ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन.
सब बोल रहे हैं कि सर हम लोग निफ्टी 50 में देखे हैं और बैंक निफ्टी में देखे हैं ट्रेड होता है इंडेक्सेस में, बट सर सेंसेक्स में ट्रेड नहीं होता सर, कभी ये नहीं सुने कि सेंसेक्स में वो ट्रेड लिया। सेंसेक्स में भी ट्रेड होता है, होता नहीं ऐसा नहीं, वो बीएसई बेसिकली सेंसेक्स बीएसई टैकल करता है, ठीक है, सेंसेक्स को बेसिकली बीएसई टैकल करता है, ट्रेड लिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि ट्रेड नहीं लिया जा सकता। अगर आप यहाँ पर सब बट सभी कोई तो सर निफ्टी में ही करते हैं, सेंसेक्स में करते हैं। एक्चुअली देखो सेंसेक्स सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनीज बीएसई नॉर्मली यूज करता है, ठीक है, तो आप सेंसेक्स को भी बेसिकली टैकल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा पॉपुलर माना जाता है निफ्टी, इसीलिए निफ्टी का नाम आपको ज्यादा सुनाई देता है सर। और